हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है? बढ़िया सौरभ, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हम बढ़िया, आज कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। थैंक गॉड आज कुछ नहीं हुआ। चलो आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है? थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे होंगे और कुछ जेनेरिक क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, जैसे कि ओवरऑल हमारे एरेज, मेट्रिसेस, ये सब तैयारी हो जाए। एंड देन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और दूंगा मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उनको जाके प्रैक्टिस करना। आई थिंक आज के बाद आप लोगों से एरेस के अंदर इजी मीडियम टाइप के क्वेश्चन होने लगेंगे। हार्ड क्वेश्चन करने के लिए तो यही है यार कि इनफ इजी और मीडियम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब हार्ड क्वेश्चन हमारे से सॉल्व होने आते हैं। ठीक है, आज की स्लाइड देखते हैं क्या क्या है, आज क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट क्विकली शेयर माई स्क्रीन, लेट्स क्विकली गो। तो सबसे पहले तो आज यही देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा डाउट था, काफी सारे बच्चों का डाउट था कि भैया इसे ओवन स्पेस में करके दिखाओ। मैं कह रहा था कि डाउट में ले लेंगे से, फिर बोला यार डाउट के अंदर फिर ना यही क्वेश्चन में समझाता रह जाऊंगा, इससे अच्छा अभी ले लेते हैं, सो दैट डाउट के अंदर हम और मल्टीपल डिफरेंट टाइप के डाउट ले सके, बिकॉज ये वाला काफी सारे लोगों का था। इसको समझते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली है कि ओवन के अंदर कैसे करना है। ओवन में बहुत अच्छी स्टेटमेंट इसके अंदर बन जाती है। एंड देन एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, ये वाला एक इजी क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। एंड देन ये थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इसी के बेस्ड पर, तो ये देखेंगे। एंड देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ऊपर मैंने गीक्स गीक्स ही डाल दिया है इसका प्रैक्टिस पेज, क्योंकि एक एक करके मैं लिखता तो वो इतनी बढ़िया बात बन नहीं पाती। यहाँ पर इन्होंने काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं, 50-60 क्वेश्चन है, जाके सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, इजी मीडियम पिक करो एंड देन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो आई थिंक सबके सब लोग आए गए होंगे, 9:01 हो गया है। लेट्स डू दिस, ट्रैपिंग रेन वाटर यूजिंग ओवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें याद होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होता था। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि आप लोगों को ऐसे करके एक हिस्टोग्राम सा बना रखा है, राइट? एक बंदा एक दिन पूछा था हिस्टोग्राम क्या होता है क्लास के अंदर, तो हिस्टोग्राम ऐसा करके कुछ ग्राफ होता है यार, ठीक है? ऐसा सपोज कर कुछ ग्राफ दे रखा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपको ये बिल्डिंग्स की हाइट दे रखी है बेसिकली, राइट? अब क्या हो रहा है, बारिश हो रही है ऊपर से, ठीक है, रेन वाटर गिर रहा है ऐसे ऊपर से, तो कहीं कहीं पानी जमा होगा। ये क्लास में हमने पहले देखा था पानी कितना जमा होगा, ये हमें बताना होता था इस तरीके से, यहाँ पानी जमा होगा और यहाँ पानी जमा होगा। तो हमें दिख रहा है कि ठीक है यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 3 पानी जमा हो रहा है और यहाँ पे कितना पानी जमा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2 पानी जमा, राइट? तो 3 + 2 हमारा टोटल 5 यूनिट्स ऑफ पानी जमा हो रहा है, राइट? क्वेश्चन स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वेश्चन स्टेटमेंट हम सभी को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी एक बार देख भी चुके हैं। नो, ऑलराइट, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया था, तो हमें याद है भैया आपने ऐसे बताया था कि पहले तो चलो आपने लिख दिया एरे 3, 5, 1, 4, 2, 6, उसके बाद आपने क्या किया, एक लेफ्ट साइड से बनाया और एक राइट साइड से एरे बनाया। लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स कैसे करके कुछ हमने बनाया था, एक लेफ्ट मैक्स था एक राइट मैक्स था। लेफ्ट मैक्स बता रहा था कि लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है? तो 3, 5, 5, 5, 5 और 6, राइट? और एक राइट साइड में बनेगा, जो बताएगा राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, राइट? तो 6, 6, 6, 6, 6, 6। उसके बाद हमने कुछ कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन याद है? कैलकुलेशन की थी मिनिमम ऑफ लेफ्ट आई एंड राइट आई, यहां से जो भी आएगा उसमें से माइनस कर दे रहे थे हम ए आई, और इसको फिर हम अपने आंसर में ऐड कर दे रहे थे, राइट? आंसर प्लस इक्वल्स टू, ये वाली स्टेटमेंट याद होगी आप लोगों को, और इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। अगर इसे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मिनिमम कितना आ रहा है, 3, 3 - 3 0, ठीक है, यहाँ मिनिमम आ रहा है 5, 5 - 5 0, यहाँ मिनिमम आ रहा है अगेन 5, 5 - 1 which is 4। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर 5 - 1 which is 4, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। यस, डिड द क्लास स्टार्ट एट 9? हाँ, एक्चुअली इस स्टेटमेंट में 6 - 5, 6 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो पानी कितना, अरे पानी तो बहुत ज्यादा जमा होगा यार, मैंने गलत लिख दिया ना, पानी एक्चुअली इतना जमा हो जाएगा,
मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर पानी एक्चुअली इतना सारा जमा हो रहा है, देख रहे हो पानी कितना जमा हो रहा है, इधर थ्री नहीं जमा हो रहा है, इधर फोर जमा हो रहा है, मैंने गलत लिख दिया था, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ पानी आपका जमा होगा फोर। देखो एल्गोरिथम हमेशा सच बोलती है, हम गलती करते हैं, एल्गोरिथम लेकिन हमेशा सच बोलती है। एल्गोरिथम ने बता दिया ना भाई तुम कुछ गलती कर रहे थे। अगला, यहाँ पर पानी जमा हो रहा है एक, और यहाँ पर हो रहा है तीन, तो टोटल आठ, आठ पानी जमा हो रहा है ना कि पांच। तो यहाँ पर आया आपका सिक्स माइनस मतलब फाइव माइनस वन विच इज फोर, यहाँ पर आएगा मिनिमम क्या है फाइव, फाइव माइनस फोर विच इज वन, और यहाँ क्या मिनिमम फाइव, फाइव माइनस टू विच इज थ्री, एंड देन यहाँ पर मिनिमम सिक्स है, सिक्स माइनस सिक्स विच इज जीरो, सबको ऐड कर देंगे तो हमें अगेन एट मिलने वाला है, राइट। इस तरीके से था हमारा कुछ यार, अभी रिपीट करने लायक कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि ये अभी तक हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो वाले देखा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया था, हमने दो एरे बनाए थे, एक लेफ्ट एरे बनाया था, एक राइट एरे बनाया था, राइट, और ये दो एरे की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया था। अब हम लेकिन आज समझने वाले हैं ओवन स्पेस में कैसे करने वाले हैं, अभी मैंने बस प्रीवियस क्लासेस का ही सोल्यूशन रिपीट किया है, जिसके अंदर ऐसे हम दो एरे बना रहे थे और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही थी बिग ऑफ एन। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था कि बिग ऑफ वन में करने का सोचो, और फिर लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि काफी सारे लोगों का बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था कि भैया नहीं हो पा रहा ये वाला ओवन में, और काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ओवन में सॉल्व करेंगे, देखेंगे आज कैसे होगा, तो अब वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हर इंडेक्स पे हमें चाहिए कि लेफ्ट साइड में कौन सा बड़ा, राइट साइड में कौन सा बड़ा, क्योंकि पानी तो तभी भरेगा, राइट, ये एकदम बैक टू बेसिक जाओ, पानी कब भरेगा, पानी इस जगह पर तभी भरेगा जब इसके लेफ्ट साइड में इससे बड़ी वैल्यू हो और इसके राइट साइड में बड़ी वैल्यू, ठीक है, किसी भी आई पोजीशन पे जाओगे तो लेफ्ट साइड में भी उससे बड़ा होना चाहिए, राइट साइड में उससे बड़ा होना चाहिए, तभी पानी भरेगा एक्चुअली, ठीक है। अब हमें पता करना है कैसे भी करके हर इंडेक्स पे कि इसके लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कौन सा, राइट साइड में बड़ा कौन, मतलब लेफ्ट साइड में बड़ा क्या है, राइट साइड में से बड़ा क्या है, तभी हम पानी भर सकते हैं। अब इसी चीज के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स नाम के दो एरे बनाए थे, लेकिन हम कह रहे हैं अब हमें ये नहीं बनाने हैं, अब हमें ये दो नहीं बनाने हैं, अब हमें ओ ऑफ वन में ही सॉल्व करना है। तो इसका मतलब हमें कुछ अलग से कुछ दिमाग लाना पड़ेगा, कुछ अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वेल हाँ करनी पड़ेगी, और जरा समझते हैं वो क्या कैलकुलेशन है। हम एक्चुअली करेंगे क्या, मैं यहाँ पर इस चीज को दोबारा से लेके आता हूँ, डुप्लीकेट, सपोज करो ये अगेन हमारा एरे है, ठीक है, ये अगेन हमारा एरे है, इसके अंदर हम दो साइड से इटरेशन स्टार्ट करेंगे, एक इस साइड से हम बोलेंगे से लेफ्ट, और एक इस साइड से हम बोलेंगे से राइट, और अब हम दो चीजें बना के चलेंगे, दो वेरिएबल और बना लेंगे, क्योंकि अब हम एरे तो बना नहीं रहे, तो दो वेरिएबल बना के चलेंगे, एक होगा लेफ्ट मैक्स, जो बताएगा किसी भी टाइम पे अगर लेफ्ट मूव कर रहा है आगे की साइड, देखो लेफ्ट एक्चुअली इधर से इधर जाएगा, राइट इधर से इधर आएगा, ठीक है, और ये हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक कि लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेकिन लेफ्ट मैक्स बताएगा कि अभी तक लेफ्ट साइड में सबसे ऊंची हाइट कौन सी थी, और राइट मैक्स बताएगा अभी तक राइट साइड में सबसे ऊंची हाइट कौन सी थी, और फिर हम हर एक इंडेक्स के लिए उस तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। लेकिन एक एक पॉइंट लगेगा यहाँ पे, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि आप लोग देखो पहले लेफ्ट और राइट को कंपेयर करो, लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते हैं, इफ ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन या इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, तो हमें इस तरीके से हम इस तरीके से मेंटेन करते हुए चलेंगे ना इसे, कि अगर ऐसा हो रहा है कि इफ ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, तो इसके इसके अंदर हम ये भी बोल देंगे कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो दिस आल्सो इंप्लाइज कि ए ऑफ राइट इज ग्रेटर देन ए लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट मैक्स, ये हम मेंटेन करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है, मैं वापिस आता हूं इसके अंदर, और इसके अंदर हम कुछ कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको, एल्स अगर होगा तो क्या होगा, उसके अंदर भी हम कुछ कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो एल्स में अगर आए तो यहां पर होगा कि एल्स में आए तो इसका मतलब ए ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन ए ऑफ राइट, राइट, तो अगर ऐसा है तो हम साथ में ये भी बोलेंगे कि ए ऑफ लेफ्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन राइट मैक्स, इस तरीके से मेंटेन करते हुए हमें चलना है इसको, इस फॉर लूप को, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके समझेंगे, अभी से ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालना, अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, डिडंट गेट दिस पॉइंट, यस अभी नहीं समझोगे, धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएंगे, चीजें क्लियर होने लग जाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्या थ्री लेस देन सिक्स है, हाँ थ्री लेस देन सिक्स है, तो इसका मतलब
लेफ्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट में आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट में लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या लेफ्ट में इससे पहले कोई बड़ा एलिमेंट था। देखो हमें पता है कि 3 जो है वो 6 से तो छोटा है, इसका मतलब यहाँ पानी जमा हो सकता है, क्योंकि इसके राइट साइड में एक्चुअली 3 से राइट साइड में एक्चुअली एक बड़ा एलिमेंट था, लेकिन पानी सिर्फ तभी जमा होगा जबकि जब 3 से लेफ्ट में भी कोई इससे बड़ा एलिमेंट होगा। अभी फिलहाल लेफ्ट मैक्स 0 है, राइट मैक्स भी 0 है, राइट, अभी फिलहाल लेफ्ट मैक्स भी 0 राइट मैक्स भी 0 है, तो हम चेक करेंगे लेफ्ट वाले एलिमेंट को लेफ्ट मैक्स के साथ कि क्या यहाँ पानी जमा हो सकता है। तो हम बोलेंगे भैया देखो लेफ्ट मैक्स अभी तक 0 था, कि इस 3 के लेफ्ट में अभी कुछ भी एलिमेंट नहीं था, तो यहाँ पानी अभी जमा नहीं हो सकता, तो इस कंडीशन को भी मैं चेक करना यहाँ पे। तो अंदर आऊंगा मैं और अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा कि इफ ए ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, अगर ऐसा हो जाता है तब तो पानी यहां भरेगा ही नहीं इस लेफ्ट वाली जगह पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है 3 है, 3 इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, और ऐसा हो रहा है कि 3 पोजीशन यहां पर है और आगे कहीं पर 6 पोजीशन है, लेकिन ये एलिमेंट अभी तक लेफ्ट साइड में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा था उससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पानी जमा नहीं होगा, यहाँ से सारा सारा पानी फैल जाएगा। यहाँ पानी सिर्फ तभी जमा होता अगर ये एलिमेंट लेफ्ट मैक्स से भी छोटा था, लेफ्ट में मैक्सिमम एलिमेंट होता उससे भी अगर ये एलिमेंट छोटा होता तभी यहाँ पानी जमा होता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट मैक्स को अपडेट कर देंगे कि लेफ्ट मैक्स हो जाएगा यही एलिमेंट ए ऑफ लेफ्ट। धीरे धीरे करके चल समझेंगे, ठीक है, एक बार मैं और रिपीट करूंगा, समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ ए ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, तब तो ये करना है, एल्स क्या करना है, एल्स क्या करना है भैया, अगर लेफ्ट छोटा है और लेफ्ट मैक्स बड़ा है, इसका मतलब इस टाइप की कंडीशन बन रही है कि ये एलिमेंट, जैसे मैं यहां समझा रहा हूँ, यहाँ यहाँ देखो यहाँ, कि अगर ये एलिमेंट छोटा है और लेफ्ट मैक्सिमम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट ऑलरेडी इससे बड़ा एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पानी जमा होगा, ठीक है, यहाँ पानी जमा होगा, कितना पानी जमा होगा, मैंने आपको बोल दिया कि ए ऑफ राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, ठीक है, ये हम मेंटेन करते हुए चलेंगे, कैसे मेंटेन होगा वो समझ में आएगा। तो पानी बेसिकली लेफ्ट मैक्स के हिसाब से जमा होने वाला है यहाँ पे, और जितना पानी जमा होगा उसको हम आंसर में ऐड कर देंगे, तो एक आंसर भी बना के चलेंगे यहाँ पे हम, एंड आंसर इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको, मैं हटाता हूँ यहाँ से, आंसर प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट मैक्स माइनस ए ऑफ लेफ्ट, ठीक है, नीचे तो हाइट है और ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जमा होगा और वो लेफ्ट मैक्स के हिसाब से बना रहा हूं मैं, क्योंकि हम, आपको याद होगा, हम लेफ्ट और राइट साइड में से चुनते कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, लेफ्ट मैक्स यहां पर है, ये एलिमेंट है लेफ्ट मैक्स, ये एलिमेंट है लेफ्ट मैक्स, और ये सपोज करो ये है ए ऑफ राइट, ये है ए ऑफ राइट, ठीक है, राइट साइड वाला ए ऑफ राइट है, ये एलिमेंट ए ऑफ राइट है और ये वाला एलिमेंट लेफ्ट मैक्स है, और मैंने कह दिया कि ए ऑफ राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, तो पानी किसके हिसाब से भरना चाहिए, पानी भरना चाहिए लेफ्ट मैक्स के हिसाब से क्योंकि वो छोटा है, राइट, ये तो मैं पहले से बता था कि जो भी छोटा होगा उसके हिसाब से पानी भरेगा, तो उसके हिसाब से हमने भर दिया पानी कितना, लेफ्ट मैक्स जो हाइट है माइनस ये जो ब्लॉक की हाइट है, क्योंकि इतना पानी जमा नहीं होगा, ऊपर ऊपर पानी जमा होगा सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद हमने इफ एल्स लिख दिया, और इसके बाद हम कर देंगे लेफ्ट प्लस प्लस कि हम लेफ्ट में आगे बढ़ जाएंगे, सेम चीज उल्टी करके हमें नीचे लिखनी है, सेम चीज उल्टी करके हमें नीचे लिखनी है कि अगर अब यहाँ का इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और पेज लेके आता हूँ, यहाँ पे नीचे है पेज, कि सपोज करो ए ऑफ लेफ्ट इज एक्चुअली ग्रेटर, ए ऑफ लेफ्ट मतलब ये बड़ा है और राइट साइड में एलिमेंट हमें मिला छोटा, ठीक है, तो ये हमारा ए ऑफ लेफ्ट है और ये हमारा ए ऑफ राइट है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि राइट साइड में एक मैक्सिमम एलिमेंट भी होगा, ठीक है, राइट मैक्स भी होगा यहाँ पे कहीं, राइट मैक्स, इनिशियली राइट मैक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इफ, इसको मैं इसी पेन से लिख देता हूँ, इफ ए ऑफ राइट इज ग्रेटर देन राइट मैक्स, तो फिर कोई पानी जमा नहीं हो पाएगा उस केस में, और हम राइट मैक्स को अपडेट कर देंगे, राइट मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, else देखो ऊपर वाले की जैसे लिख रहा हूं मैं, else answer plus equals to, अब यहां पर क्या कंडीशन मेंटेन हो रखी होगी, a of left is greater than right max, तो a of left और right max, ठीक है, right max इससे बड़ा है, हम कह रहे हैं कि a of right से तो right max बड़ा है, लेकिन मैंने बोल रखा है कि हम ऐसे मेंटेन करके चलने वाले कि लेफ्ट से वो छोटा ही होगा, तो पानी किसके हिसाब से बढ़ेगा, पानी राइट मैक्स के हिसाब से भरने वाला है, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू राइट मैक्स
माइनस में ए ऑफ राइट, और फिर राइट माइनस माइनस ऐसे करते चलेंगे। और ये वाली चीज हमारी एक वाइल लूप में चलने वाली है, वाइल ए ऑफ लेफ्ट, वाइल लेफ्ट इज लेस देन आर, और फिर फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ कोड लिखा है। और व्हाट अबाउट डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस कहां से आ जाएगा इसके अंदर, हमें यहाँ पर टोटल पानी बताना होता है यार, हमें यहाँ पर टोटल पानी बताना है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है मैक्सिमम एरिया इन हिस्टोग्राम जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है कि इस यूनिट पे मतलब इस डिस्टेंस पे कितना पानी जमा रखा है इस जगह पे, फिर इस जगह पे कितना पानी जमा है, इस जगह पे कितना पानी जमा है। तो डिस्टेंस जैसा कोई सीन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, हाँ समझते हैं दोबारा से, टेंशन मत लो। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जरा इसे यहाँ पे दोबारा समझते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें देखो लेफ्ट और राइट नाम के दो एरे नहीं बनाने, ठीक है, हमें हम चाहते हैं कि बिना लेफ्ट और राइट नाम के एरे बनाए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। तो हमें खुद से मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि हर पोजीशन पे पानी भर सकता है कि नहीं भर सकता है, और अगर भर सकता है तो कितना भर सकता है विदाउट यूजिंग दीज एरेज। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स बना लिए हैं जिनका नाम है लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, जिनको मैंने शुरुआत कर दिया जीरो से। और मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी लेफ्ट पोजिशन के लिए मतलब किसी भी लेफ्ट इंडेक्स के लिए एक एक एल और आर दो पॉइंटर भी होंगे, ठीक है, एक होगा लेफ्ट पॉइंटर एक होगा राइट पॉइंटर। और किसी भी लेफ्ट पॉइंटर के लिए लेफ्ट मैक्स बताएगा कि इससे लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था, ठीक है, इससे लेफ्ट साइड में सबसे बड़े एलिमेंट कौन सा था। एंड सिमिलरली फॉर एनी राइट इंडेक्स, राइट मैक्स ये बताएगा कि राइट से कि राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था। अब हमारे एक वाइल लूप चलने वाला है, और लेफ्ट बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट राइट टू लेफ्ट आने वाला है। ये हमारा वाइल लूप तब तक चलेगा वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है, तब तक हमारे वाइल लूप चलने वाला है। और हर बार हम चेक करेंगे पहले लेफ्ट और राइट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। हाँ ये एंड टाइम चलेगा, लेकिन इसमें कोई एरे यूज नहीं हो रहा यार, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल है ये फाइंड करना कि टोटल पानी कितना जमा होगा यार, ठीक है। हाँ ठीक है, सिंपल सा मैं दोबारा बता रहा हूँ दोबारा, अब मैं एक बार इसको कोड को समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, अब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, तो अब समझ लो ठीक से ये कोड कैसे काम कर रहा है। ऑलराइट, तो मैंने दो वेरिएबल बनाए लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स। हमारा व्हाइल लूप चलेगा व्हाइल ए ऑफ लेफ्ट, व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमारा व्हाइल लूप चलने वाला है। हम चेक करते हैं पहले ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, और यहां पर हम ड्राई रन भी कर लेते हैं, हम बोलेंगे हाँ 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, सही बात है। ठीक है, मैं नीचे ड्राई रन करता हूँ, यहाँ पर है 3 5 1 4 2 6, देखो मैं ड्राई रन कर रहा हूँ उसे समझ में आएगा, 3 5 1 4 2 6 हमारा यहाँ पर है लेफ्ट, हमारा यहाँ पर है राइट, एक होगा लेफ्ट मैक्स जो कि होगा शुरुआत में 0, एक होगा राइट मैक्स जो कि होगा शुरुआत में 0। इफ ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ राइट, तो हाँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, सही बात है। तो हम अंदर आएंगे, हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट जो है वो राइट मैक्स से लेफ्ट मैक्स से बड़ा है, हम देखते हैं कि लेफ्ट मैक्स है 0 और लेफ्ट जो है 3 है, तो हाँ एक्चुअली ये बड़ा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे आंसर में, हम सिंपली लेफ्ट मैक्स को 0 से काट के लिख देंगे 3, ठीक है, हमने लेफ्ट मैक्स को सिंपली अपडेट कर दिया, और उसके बाद हमने लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा लेफ्ट जो होगा वो यहाँ से खिसक के आगे चला जाएगा, तो ये लेफ्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से इस व्हाइल लूप में जाएंगे, अब हम दोबारा चेक करते हैं क्या ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन ए ऑफ राइट, तो हम बोलेंगे हाँ 5 इज लेस देन 6, सही बात है। अब हम अंदर इस वाली इफ कंडीशन में आ गए, इस वाली इफ कंडीशन में हम यहाँ चेक करते हैं कि इफ ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ मैक्स, तो हाँ एक्चुअली देखो 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट, लेफ्ट मैक्स अभी सिर्फ 3 था और यहाँ से हमें 5 मिल रहा है, तो इसको हम दोबारा से अपडेट कर देंगे, अभी हो जाएगा 5, कि लेफ्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है अभी तक 5 ही है। और अब हम दोबारा से लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, अब लेफ्ट आ गया यहाँ पर। अब हम दोबारा से कंपेयर करते हैं कि ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, हाँ सही बात है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हम इस इफ वाली कंडीशन में जाएंगे क्या ए ऑफ लेफ्ट लेफ्ट मैक्स से भी बड़ा है, तो हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये 1 है सिर्फ, और लेफ्ट मैक्स जो है वो 6 है, तो इससे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पानी जमा हो सकता है, राइट, क्योंकि इसके राइट साइड में तो इससे ऑलरेडी हमें पता है राइट साइड में तो बड़ा एलिमेंट है ही, तभी तो इस इफ कंडीशन में आए हैं, क्योंकि हमें पता है राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट है। और हमने ये भी स्टेब्लिश कर लिया है कि लेफ्ट साइड में भी इससे बड़ा एलिमेंट एक प्रेजेंट है, राइट, तो हम इस एल्स कंडीशन में आए हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं हाँ यहाँ पानी जमा होगा। और पानी कितना जमा होगा, पानी जमा होगा लेफ्ट मैक्स माइनस ए लेफ्ट, इतना इस यूनिट पे इतना पानी जमा होने वाला है। तो लेफ्ट मैक्स था 5, 5 माइनस 1 विच इज 4,
तो आंसर पहले जो जीरो था अब हो जाएगा फोर, आंसर में हमने फोर ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया दोबारा से, ठीक है, लेफ्ट प्लस प्लस होके यहाँ आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये लेफ्ट जो है वो राइट साइड से छोटा है, हम बोलेंगे हाँ लेफ्ट जो है वो चार है, राइट साइड जो है छह है, तो अगेन इसी वाली इफ कंडीशन में आ जाएंगे, ऊपर वाली इफ कंडीशन में ही। अब हम चेक करते हैं कि ये जो एलिमेंट है लेफ्ट एलिमेंट, क्या इससे लेफ्ट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट था, इसका मतलब क्या ये एलिमेंट जो है ये लेफ्ट मैक्स से बड़ा है कि छोटा है। हम देखते हैं लेफ्ट मैक्स क्या है, लेफ्ट मैक्स है पांच, ये एलिमेंट है चार, इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट साइड में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, तो इसका मतलब हमें बस निकालना कि हाँ यहाँ पानी जमा होगा, कितना पानी जमा होगा, तो हमें देखना है कि ठीक है लेफ्ट मैक्स कितना था, पांच था, पांच माइनस चार एक, एक पानी जमा हो जाएगा यहाँ पे, तो चार प्लस एक, ठीक है देख रहे हो, लेफ्ट मैक्स माइनस ए लेफ्ट, तो पांच में से चार माइनस कर दिया तो एक, एक पानी यहाँ जमा हो जाएगा, और हम लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे दोबारा से, हमारा लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पर। अगेन इफ वाली कंडीशन में हम जाएंगे क्योंकि ए ऑफ लेफ्ट इज एक्चुअली लेस देन राइट, और ये एक्चुअली हमारे मैक्स से भी छोटा है, तो हमें पता है कि हाँ इसके लेफ्ट साइड में भी इससे बड़ा एलिमेंट है, राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट है, तो पानी कितना जमा हो रहा है लेफ्ट मैक्स के हिसाब से जमा हो रहा है, पांच माइनस दो विच इज तीन, तो प्लस तीन यहाँ पानी जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर लेफ्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जैसे यहाँ पर आएगा हमारा लूप से हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्हाइल लूप चल रहा है वो व्हाइल एल इज लेस देन आर ऐसे चलने वाला है। ऑलराइट, तो हमारा टोटल पानी कितना जमा हो रहा है यहाँ पे, आठ। ऑलराइट, अब जरा एक बार मैं इसे कोड करता हूँ, सेम चीज मैं कोड करने वाला हूँ वैसे तो, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम मैं फंडा कोड करने वाला हूँ, और एक दो एग्जांपल पे फिर ड्राई रन दोबारा से करेंगे, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है, लेट मी जस्ट कोड दिस। बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक लॉजिक था नहीं वैसे, मैंने मेरे को वैसे, लेकिन एक बात है पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में आया नहीं था, आई मीन 2-3 साल पहले मैंने कभी पढ़ा था ये, ट्रैपिंग रेन वाटर, नहीं, एरेज फोर, तो एक दो बार खुद से एग्जांपल पे भी ड्राई रन करके देखो इस कोड को, तब आपके दिमाग में एक्चुअली हिट करने लगा कि अच्छा ओके ये ऐसे हो रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इंट स्टैटिक इंट ट्रैपिंग रेन वाटर, ठीक है, इंट ए हमें एक एरे मिलेगा, इससे हमें इसे सॉल्व करना है, एक होगा हमारा आंसर जिसके अंदर फिलहाल होगा जीरो, और यही आंसर हम रिटर्न कर रहे होंगे फाइनली। अब हम करके आ रहे हैं इसके साथ, देखते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे एक लेफ्ट मैक्स जो कि होगा जीरो, और एक राइट मैक्स बनाएंगे जो कि होगा जीरो, हाँ इसको माइनस कर सकते हैं क्या यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट मैक्स निकाल लिया, राइट मैक्स निकाल लिया, उसके बाद मैंने क्या लिखा था यहाँ पर कि व्हाइल लूप चलाएंगे और दो वेरिएबल ही बनाएंगे, ठीक, एक होगा लेफ्ट, लेफ्ट निशाना मैं एल देता हूँ जिससे थोड़ा आसान रहे, एल इक्वल्स टू जीरो होगा, और आर जो होगा वो होगा हमारा ए डॉट लेंथ माइनस वन, ठीक है, एल होगा लेफ्ट साइड में, राइट होगा एकदम लास्ट लास्ट में, लेफ्ट यहाँ से आने वाला, राइट यहाँ से आने वाला है, और हमारा जो लूप है वो चलेगा व्हाइल एल इज लेस देन आर। अब तक हम क्या करेंगे इसके साथ, हम चेक करेंगे कि इफ ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, तो हम चेक करते हैं कि ठीक है हमें पता चल गया कि राइट साइड में एक बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन हम चेक करते हैं कि इस, हमें पता चल गया कि इस लेफ्ट के राइट साइड में एक बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, हम चेक कर लेते हैं कि इस लेफ्ट के लेफ्ट साइड में क्या इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम इसको लेफ्ट मैक्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, इफ ए ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स, अगर ऐसा है तो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है लेफ्ट साइड में कोई बड़ा एलिमेंट, तो हम उस केस में सिंपली कर देंगे लेफ्ट मैक्स को अपडेट, यही एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है लेफ्ट साइड का, लेकिन अगर प्रेजेंट है, अगर लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है कि एक बड़ा एलिमेंट है, तो हम पानी भर देंगे इस जगह पर और आंसर में ऐड कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू, आंसर में हम ऐड कर देंगे क्या चीज, लेफ्ट मैक्स माइनस ए ऑफ लेफ्ट, और उसके बाद हम लेफ्ट प्लस प्लस भी करेंगे, और सेम चीज हम यहाँ पे एल्स में डालने वाले हैं, अगर हमें दिख रहा है कि ठीक है लेफ्ट छोटा है तो इसका मतलब अगर लेफ्ट छोटा नहीं है तो राइट छोटा है,
तो राइट छोटा है तो हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट इसके राइट के राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या। तो इफ ए ऑफ राइट इज ग्रेटर देन राइट मैक्स, इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है राइट साइड में कोई बड़ा एलिमेंट, तो यही सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया राइट मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ राइट। एल्स प्रेजेंट है राइट साइड में एक बड़ा एलिमेंट, और अगर प्रेजेंट है तो आंसर में हम पानी भर देंगे व्हिच इज इक्विवेलेंट टू राइट मैक्स माइनस ए ऑफ राइट के बराबर, और फिर राइट माइनस माइनस कर देंगे, ये लूप हमारा चलता रहेगा, और फिर फाइनली हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं अपने इस एग्जांपल के लिए। इंट ए इट्स नॉट वेरी इंट्यूटिव, मतलब ये वाला जो कोड है इट्स नॉट वेरी इंट्यूटिव, ये पहली बारी में इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, बट हाँ अच्छे समझ लेंगे तो आ जाएगा। क्या था अरे 3514 26 3514 26 और आंसर कितना है टैपिंग रेन वाटर ए, जो भी आंसर आएगा इसको हम प्रिंट कर लेंगे। Let's run this code. यहाँ पे 8 आ रहा है। अब इस कोड के अंदर तो हमने ड्राई रन कर लिया था इसको, अब मैं एक दूसरा एरे बनाता हूँ। Let's make a completely different array. और एक बढ़िया सा array मैंने सोच रखा था 3 4 5 equals to 3 4 5 1 2 6 5 4 1. ठीक है, इसके लिए रन करते हैं एक बार से, देखते हैं क्या आता है आंसर। आंसर आ रहा है 7। ठीक है, आंसर 7 ही आ रहा है। अब इस वाले एग्जांपल के लिए रन करके देखते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जांपल के लिए रन करके देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर बीच में 7 रखिए, 7 बीच में रख दें, चलो ठीक है एक 7 भी रख देते हैं, उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट भी चेंज करा दिया, तो मैंने बीच में एक 7 डाल दिया। अब रन करके देख लेते हैं, तो अब पानी एक्चुअली एट जमा हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। इस एरे को हम ऊपर ले आते हैं, इधर ले आता हूं मैं। ठीक है, ये एरे है, लेफ्ट हमारा 0 है, राइट हमारा राइट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हमारा यहां पर 3 पर है, राइट साइड वाला एलिमेंट जो है 1 पर है। ऑलराइट, अच्छे समझना। ठीक है, इफ ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ राइट, एक बात समझो लेकिन, ठीक है, ये समझने से पहले एक बात समझो कि इस बार हम कोई एरे यूज नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम के लिए हम पिछली बार एक ऑक्सिलरी एरे यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से बिग ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। हम चाहते हैं वो ना आए, ठीक है, हम चाहते हैं हमें कोई स्पेस यूज ना करना पड़े, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर आप एक एरे यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर लॉजिक एक नया लगेगा, थोड़ा अच्छा एक अलग लॉजिक लगेगा, विच इज नॉट वेरी इंटुइटिव, तो इसको हम समझेंगे लेकिन अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट एलिमेंट है, ये हमारा राइट एलिमेंट है। अब हम चेक करते हैं, व्हाइल एल इज लेस देन आर हमारा लूप चलने वाला है, हम चेक करते हैं क्या लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से छोटा है। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली राइट एलिमेंट छोटा है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या एस्टेब्लिश कर लिया कि इस वन के लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है। हमें नहीं पता वो कहां प्रेजेंट है, लेकिन हमें पता चल गया है क्योंकि हम इस एल्स में आ गए हैं। इसका मतलब इस वन के लेफ्ट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें चेक करना है कि इस वन के राइट साइड में क्या इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर है तब तो पानी जमा होगा इस वन के ऊपर, अदरवाइज नहीं जमा होगा, राइट। हम देखते हैं कि क्या ये एलिमेंट जो है वो राइट मैक्स से बड़ा है कि छोटा है। तो हम देखेंगे राइट मैक्स इनिशियली 0 है, राइट, राइट मैक्स हमारा 0 है, तो इसका मतलब इस वन के राइट साइड में कोई इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो राइट मैक्स इक्वल्स टू ए आर कर देंगे। ठीक है, तो राइट मैक्स equals to 1 कर देंगे, लेफ्ट मैक्स हमें पता ही है अभी भी 0 ही रखा है। तो हमने राइट मैक्स इक्वल्स टू 1 कर दिया, हमने बोला ठीक है पानी कोई जमा नहीं हुआ, आर माइनस माइनस कर देते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर इस 4 पे आ गए। अब हम अगेन इस 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, इस 3 और 4 को कंपेयर करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम देखते हैं कि हाँ एक्चुअली ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, राइट। तो इसका मतलब हमने ये कह दिया कि ठीक है इस 3 से राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो अब हमें देखना है कि क्या इस 3 के लेफ्ट साइड में भी इससे बड़ा एलिमेंट कोई प्रेजेंट है, तभी पानी जमा होगा। तो हम इस इफ वाली में तो आ गए, हम चेक करते हैं। तो देखो यार ए ऑफ लेफ्ट जो है वो एक्चुअली ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स है,
तो इसीलिए इसके लेफ्ट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट कोई प्रेजेंट नहीं है, तो यही सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 3 कर दिया और कोई पानी जमा नहीं हुआ। तो अब हम एल प्लस प्लस कर देंगे, तो अब हमारा एक पॉइंटर 4 पर है और दूसरा पॉइंटर इस 4 पर है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम ये इफ वाली कंडीशन में ही आ जा रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं तब भी हम इस इफ वाली कंडीशन में से हैंडल कर ले रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों बराबर हैं तो किसी को भी हैंडल कर लो। तो हमने चेक कर लिया कि ठीक है दोनों एलिमेंट बराबर हैं, तो अब हम चेक करेंगे क्या इफ ए ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स। तो ऐसा हो रहा है एक्चुअली, देख रहे हो ये जो 4 है ये इस 3 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे ठीक है इसके लेफ्ट साइड में से कोई बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और अब हम इस 5 पे आ गए, लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर ये 4 है, तो हम बोलेंगे कौन सा छोटा है, तो हमें दिख रहा है राइट साइड वाला छोटा है, तो हम इस एल्स वाली में आ गए। अब हमें पता है कि इसके लेफ्ट साइड में तो इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या इसके राइट साइड में से बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे इसके राइट साइड में से बड़ा एलिमेंट कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 4 के राइट साइड में 4 से बड़ा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ठीक है यहाँ पानी जमा नहीं होगा, तो यहाँ पानी जमा नहीं होगा तो हम इसके राइट मैक्स को तो अपडेट कर देंगे, 4 से राइट मैक्स हो जाएगा हमारा 4, और हम राइट माइनस माइनस कर देंगे, तो अब हमारा यहाँ पर भी 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 आ गया, अभी तक कोई भी पानी कहीं भी जमा नहीं हुआ है। और सही बात है, हमारा कुछ अगर आप देखोगे ना इसका हिस्टोग्राम अगर बना के दिखाऊं मैं आपको, तो आपको दिखेगा कि हाँ यार पानी तो यहाँ जमा होगा ही अभी, ठीक है, जो भी इंडेक्सेस अभी तक हमने देखे वहां तक पानी कैसे जमा हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 3 4 5 3 4 5 1 7 2 6 5 4 1, ठीक है मैं हाइट्स बना लेता हूँ एक बार जल्दी से। तो ये तो 7 वाला तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है एक लंबी सी चोटी, 2 वाली सपोज करो ऐसी छोटी है, 6 वाला कुछ ऐसा है, 5 वाला इससे छोटा है, 4 वाला और छोटा है, और 1 वाला एकदम ही छोटा है, ये भी छोटा है, ये इधर कहीं हो जाएगा, ये छोटा है। तो अभी तक हमने जितने भी इंडिसेस देखे हैं लेफ्ट साइड से इधर आते टाइम और राइट साइड से इधर आते टाइम, आपको दिख रहा पानी कहीं जमा होगा ही नहीं, ठीक है पानी यहाँ पानी जमा नहीं होगा, यहाँ पानी जमा नहीं होगा, यहाँ पानी जमा नहीं होगा, सिमिलरली ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है इसीलिए अभी तक कहीं भी पानी जमा नहीं हुआ, इसलिए अभी तक हमारा आंसर अपडेट नहीं हुआ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर 5 पे आ गए थे और यहाँ पर भी इस 5 पर आ गए हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम इस इफ वाली कंडीशन में चले जाएंगे। इस इफ वाली कंडीशन में चेक करते हैं क्या लेफ्ट जो है वो राइट साइड से बड़ा है, लेफ्ट मैक्स से बड़ा है, तो हाँ एक्चुअली ये बड़ा है, तो लेफ्ट मैक्स को अगेन हम अपडेट कर देंगे, तो लेफ्ट मैक्स हमारा हो जाएगा 5 और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आगे हम इस 1 पे और यहाँ पर आगे हम इस 5 पे। ऑलराइट अब हम देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो हम देखेंगे हाँ ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन ए ऑफ राइट, राइट, तो हम बोलेंगे ठीक है हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि इसके राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, तभी हम इस इफ वाली कंडीशन में आए हैं। अब हमें देखना है क्या इसके लेफ्ट साइड में भी इससे कोई बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे हाँ देखो हम इस एल्स वाली में आ रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन लेफ्ट मैक्स, राइट, इसलिए हम इस एल्स कंडीशन में आ गए। इसका मतलब इस एलिमेंट के लेफ्ट साइड में एक्चुअली एक लेफ्ट मैक्स है जो कि इससे बड़ा है, और हमें दिख रहा है विच इज 5 इज ग्रेटर देन 1, राइट, तो इसका मतलब यहाँ पानी जमा होगा, तो पानी कितना जमा होगा, हम बोल रहे हैं लेफ्ट मैक्स के हिसाब से पानी जमा होने वाला है, लेफ्ट मैक्स माइनस ए लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि पानी जो जमा हो रहा है वो जमा हो रहा है, इतना पानी जमा हो रहा है, राइट, विच इज 4, ये 4 यूनिट है कि 5 माइनस 1, क्योंकि ये तो 5 तो हाइट हो गई पानी की, पानी का लेवल 5 पे है लेकिन 1 का नीचे ब्लॉक भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 माइनस 1 किया, ठीक है, लेफ्ट मैक्स माइनस ए लेफ्ट। तो अब हमारे आंसर में कितना हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा 4, ठीक है या पानी 4 जमा हो गया, और हमने लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, अब हम 7 पे आ गए। अब यहाँ पर 7 पर है और यहाँ पर 5 पर है, 7 और 5 के बीच में देखने वाले, तो हम else में आएंगे बिकॉज ए ऑफ राइट इज लेस देन ए ऑफ लेफ्ट, हमें ये पता चलेगा कि ठीक है 5 के लेफ्ट साइड में उससे बड़ा एलिमेंट तो प्रेजेंट है, क्या अब हमें देखना 5 के राइट साइड में कोई बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे नहीं 5 के राइट साइड में कोई बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन राइट मैक्स, तो इसको अपडेट कर देंगे, राइट मैक्स को बोल देंगे राइट मैक्स 5 हो गया और हम इसे आगे बढ़ा देंगे। अब हमारा हो गया है 7 2 6, 7 और 6 को कंपेयर करेंगे सेम कहानी होगी, ये हम अपडेट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 से 6 और फिर यहाँ पर आ जाएंगे 7 2 के पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगेन सेम कहानी रिपीट होगी कि ए ऑफ राइट मतलब एल्स में तो आ जाएंगे बिकॉज राइट इज एक्चुअली स्मॉलर देन लेफ्ट, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में से बड़ी बिल्डिंग है विच इज ऑफ हाइट 7 हमें दिख रही है, ठीक है हमें देखना है क्या इसके राइट साइड में कोई बड़ी बिल्डिंग प्रेजेंट है, तो हमें देखिए हाँ एक्चुअली प्रेजेंट है, तो हम एल्स में आएंगे और राइट मैक्स के हिसाब से यहाँ पानी भर देंगे, ठीक है। तो राइट मैक्स कितना था अभी तक, 6 था, 6
माइनस इसकी हाइट कर देंगे 6 माइनस 2 विच इज 4, तो 6 माइनस 2 विच इज 4, ठीक है, 4 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और हमने फिर राइट माइनस माइनस कर दिया, फिर हम यहाँ पर 7 पे आ गए और यहाँ से हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हमें रिटर्न हो जाएगा 4 प्लस 4 विच इज 8। जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हो यहाँ पर भी 4 यूनिट ऑफ पानी जमा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पानी थोड़ा ऊपर जमा हो रहा है, 6 पर जमा हो रहा है, लेकिन नीचे 2 हाइट का ब्लॉक है, तो यहाँ पर भी 4 यूनिट ऑफ पानी जमा हो रहा है। एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एन एनी एक्स्ट्रा स्पेस। एंड आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब मैंने काफी अच्छे से मतलब पूरा 35 मिनट ले लिया इसके ऊपर, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना इस क्लास को, दोबारा से समझ में आ जाने वाला है। बहुत ही कमाल का सोल्यूशन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। दिस इज नॉट माई सोल्यूशन, मैंने खुद ये पढ़ा था, मेरे को पढ़ाया था किसी ने, तो काफी अच्छा लगा था जब मैंने देखा था ये सोल्यूशन। मैं हमेशा एरे वगैरह बना के सॉल्व किया करता था इसको, बट या वेरी नाइस सोल्यूशन, नॉट वेरी इंट्यूटिव सोल्यूशन, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन एन एरे फाइंड द मैक्सिमम जे माइनस आई सच दैट एरे जे इज ग्रेटर देन एरे आई। इस टाइप के क्वेश्चन ना आते रहते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर कंपनी ने पूछ ही रखा है एक ना एक बार। अब ये क्यों पूछ लेते हैं भैया, और हमें पता चला है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कंपनीज के अंदर। तो बेसिकली देखो यार, मैंने जो आपको एक तो लिंक दे दिया ये वाला, इसमें जाके सॉल्व करोगे ना तो इसमें पक्का मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं। और दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर होता है क्या कि बहुत सारे इसके अंदर क्या बोलते हैं, वैरायटीज बन जाते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हर क्वेश्चन के अंदर बन जाती है वैसे तो, लेकिन जिन क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी वैरायटी बन जाती है जो बहुत इंट्यूटिव नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपनीज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ये थ्री सम वाला, इसे हम कहते हैं थ्री सम, तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ सॉल्यूशन बनते जाते हैं बनते जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपनीज के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि हमें एक एरे दे रखा है, उसके अंदर हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे माइनस आई सच दैट एरे जे इज ग्रेटर देन एरे आई। तो एक तो एरे बना लेते हैं पहले, सपोज करो यही एरे ले लें क्या, ये वाला 3 4 5, 3 4 5 1 7 2 6 5 4 1। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया है वो एक बार इसका आंसर लिख दो, क्या आने वाला है, क्या मैक्सिमम जे माइनस आई होगा सच दैट एरे जे इज ग्रेटर देन एरे आई फॉर दिस क्वेश्चन। मैं खुद ही लिखता हूं। तो यहां हो सकता है 3 एंड 4, राइट, ये दोनों ऐसे वैल्यूज हैं जिनके लिए एरे जे इज ग्रेटर देन एरे आई बट जे माइनस आई मैक्सिमम है। हो क्या रहा भैया बता दो, ठीक है। दो पॉइंटर है, एक एरे दे रखा आप लोगों को, इसके अंदर दो पॉइंटर है, एक सपोज करो आई यहां से स्टार्ट हो रहा है, जे यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे माइनस आई बतानी है सच दैट एरे जे इज ग्रेटर देन एरे आई। मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब जे और आई के बीच का सबसे बड़ा डिस्टेंस बताना है सच दैट राइट साइड वाला एलिमेंट बड़ा है लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि वो ये हो सकता है 3 एंड 4, कि 3 और 4 सबसे दूर है और 4 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसका आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम इंडेक्स लिखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो j माइनस आई की वैल्यू आएगी हमारी 8 माइनस 0 विच इज 0, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसको करने के मल्टीपल तरीके आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, और हाँ इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, हम सारे सारे तरीके तो नहीं लेकिन कुछ तरीके देखेंगे और एक ऑप्टिमाइज तरीके से भी इसे सॉल्व करेंगे फिर। तो यार देखो इस क्वेश्चन को हमें करना है, एक तो तरीका हो सकता है कि दो फॉर लूप चला लेते हैं, है ना भैया, दो फॉर लूप चला लेते हैं और बस चेक करते चलेंगे। एक फॉर लूप हो जाएगा हमारा जो आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस तक चलेगा, ठीक है। एक तो ये फॉर लूप हो गया और एक दूसरा फॉर लूप हो जाएगा जो हमारा आई प्लस वन से चलेगा, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, और हम चेक कर लेंगे कि अगर ए जे इज ग्रेटर देन ए आई तो हम आंसर को अपडेट कर लेंगे, बस आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर या फिर जे माइनस आई। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, और यहां से हमें आंसर मिल जाएगा, बट यहां से हमारी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आ रही है, राइट, थीटा एन स्क्वायर आ रही है रादर। हम सारे के सारे कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन में, और हम हर एक के लिए चेक कर रहे हैं कि जैसे इस थ्री के लिए मैंने चेक कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली मैंने इस फोर के लिए, आगे वाले फोर के लिए चेक कर लिया कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। निखिल क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, बट हाँ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज्यादा आ रही है। तो क्या इसे हम बेटर कर सकते हैं? तो हाँ बेटर कर सकते हैं। थिंक स्पेस, ठीक है, स्पेस सोचा करो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक तो होता है स्पेस यूज करो, दूसरा होता है सॉर्टिंग यूज कर लो। क्या सॉर्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं? सॉर्टिंग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? क्योंकि सॉर्टिंग करते ही आप लोगों का ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोगों ने अगर 1 2 3 4 आगे पीछे कर दिया तो उससे तो आपका क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सॉर्टिंग तो कर नहीं सकते। दूसरा क्या है, स्पेस यूज कर सकते हैं। स्पेस का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? तो बेसिकली आप लोगों को बताना है किसी भी इंडेक्स के लिए, जैसे हम किसी भी इंडेक्स पर अगर चले जाएं तो हमें बताना है कि इस 7 के राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, क्या इस 7 के राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट कोई प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट है तो कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो फॉर एनी इंडेक्स, राइट, फॉर एनी इंडेक्स लाइक फॉर दिस 5, हमें बताना है कि इस 5 के राइट साइड में जो एलिमेंट है, क्या इससे बड़ा एलिमेंट जो है वो कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, सो दैट हम अपने आंसर को अपडेट कर सकें। तो बेसिकली हमें समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप का हमने किया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि राइट साइड से निकालो कि राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा था किसी भी इंडेक्स के लिए, और उससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो एक तो ये सोल्यूशन हो गया, विच इज नॉट वेरी गुड। ये आप करोगे इंटरव्यू बोलेगा ठीक है इसे ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, तो अगेन हम इसे ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। तो हमें दिख रहा है स्पेस यूज करना पड़ेगा, स्पेस यूज कर ही लेते हैं फिर। सपोज करो ये दूसरा एरे बना लेते हैं, और ये है कुछ 5 4 1 7 2 8 8 6 3 ठीक है, 3 के बाद एक और एलिमेंट डाल देते हैं यहाँ पे 4। तो यहां पर भी कुछ आंसर आ रहा होगा, ठीक है कुछ भी आ रहा होगा भैया। हमें निकालना है किसी भी एलिमेंट के लिए, पहले तो निकालेंगे हम राइट मैक्स। ठीक है, राइट मैक्स दो एरे बनाएंगे। पहला राइट मैक्स एरे होगा, वो बताएगा कि किसी भी एलिमेंट के लिए राइट साइड में उससे बड़ा एलिमेंट जो है वो कौन सा है। ठीक है, किसी भी इंडेक्स के लिए, तो इसको भरना हम स्टार्ट करेंगे, तो राइट साइड से ही भरना स्टार्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पर वो 4 ही होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 8 होगा, एंड देन फिर 8 ही रिपीट होता रहेगा हर बार। समझ में आया ये कैसे भर दिया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना कि भैया आपने ये वाला एरे कैसे भर दिया, ये समझ में आ गया? राइट मैक्स तो भर दिया मैंने, राइट मैक्स भरना समझ में आ गया। ऑल राइट, ठीक है, अब एक दूसरा भी भर देंगे विच इज लेफ्ट मिन। लेफ्ट मिन बताएगा कि लेफ्ट साइड में किसी भी इंडेक्स के लिए सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो कौन सा था। तो यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट 5 ही है, इधर सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, इधर सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, फिर 1 ही होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हमें एक्चुअली हर एक इंडेक्स पर जाकर चेक करना है कि क्या इसके राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो। इस तरीके से मैं समझाता हूँ किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे आंसर नाम का, इंट आंसर इक्वल्स टू, फिलहाल हम बोल देते हैं कि ठीक है आंसर 0 है, और हमारे दो वेरिएबल चलेंगे, एक होगा हमारा आई और एक होगा हमारा जे। ठीक है, आई और जे दो वेरिएबल चलेंगे, आई हमारा लेफ्ट में चलने वाला है, जे हमारा राइट में चलने वाला है। ठीक है, तो हम आई को लेफ्ट में चलाते हैं नीचे की साइड, और जे को हम राइट में चलाते हैं ऊपर की साइड। हम चेक करते हैं कि क्या ए मतलब क्या ये जो भी एलिमेंट है लेफ्ट मिन ऑफ आई, क्या ये छोटा है राइट मिन से। इसका मतलब क्या है कि क्या इस 5 के लिए राइट साइड में इससे बड़ा एलिमेंट कोई प्रेजेंट है? तो हम बोलेंगे हाँ एक्चुअली एलिमेंट एक प्रेजेंट है। तो क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है कि एक एलिमेंट राइट साइड में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, और हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे माइनस आई। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे माइनस आई चाहिए, तो इसके लिए हमें जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ठीक है, हमें यहाँ पर तो दिख रहा है कि हाँ 8 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ से जे माइनस आई हमें सिर्फ 0 मिल रहा है, हमें चाहिए मैक्सिमम आंसर। तो उसके लिए हमें जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कि हो सकता है कि आगे भी
जे अभी भी बड़ा मिले हमें, ठीक है, आगे भी ये जो एट है ये फाइव से बड़ा हो, और आपको दिख रहा है हाँ एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है कि दिस एट, क्योंकि जैसे हमने जे को आगे बढ़ाया तो अभी भी इस फाइव के लिए राइट साइड में एट प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा अभी, जे माइनस आई विच इज वन, तो ये तो ज्यादा हो गया, आंसर पहले जीरो था, अब आंसर हमने अपडेट कर दिया, आंसर हो जाएगा वन, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली जब भी हमें इससे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, मतलब मिनिमम से बड़ा एलिमेंट राइट साइड में मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ठीक है आगे बढ़ा दो तक, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, और अगर नहीं हो रहा, अगर छोटा मिल रहा है तो हम फिर लेफ्ट साइड वाले को आगे बढ़ाएंगे कि ठीक है इसका काम यहीं तक था, मतलब इस लेफ्ट मिनिमम से इतना ही मिल सकता था, अब लेफ्ट मिनिमम को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया, ठीक है, समझेंगे दोबारा से कैसे। तो यहां पर दोबारा कंपेयर करते हैं आठ और पांच को, हाँ आठ बड़ा है, राइट साइड में बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट साइड में बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको और राइट साइड में ढकेलो, क्योंकि हमें जे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ठीक है, इसको हम और राइट साइड में ढकेल देते हैं, तो जे हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब जे माइनस आई की वैल्यू कितनी है, तो जे माइनस आई की वैल्यू जाएगी टू, तो वन से कट के हमारा आंसर हो जाएगा टू, हम बोलेंगे ठीक है। अब दोबारा कंपेयर करते हैं आठ और पांच को, हाँ आठ बड़ा है, ठीक है आठ बड़ा है, तो इसको हम और आगे लेके जाते हैं, तो जे हमारा और आगे आ जाएगा, समझ लो, कंपेयर करते हैं, तो ठीक है जे माइनस आई अब कितना हो जाएगा थ्री, तो इसको हम अपडेट कर देंगे थ्री, आंसर हमारा थ्री हो जाएगा, और फिर हम दोबारा से इसको आगे बढ़ा देंगे, जे यहाँ पर भी आएगा और ये जे चलता जाएगा ऐसे ही करते करते, जे यहाँ पर आएगा, फिर जे मतलब यहाँ पर आएगा जे पहले, तो ठीक है, और यहाँ पर कितना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये पहले थ्री से फोर होगा, फिर फोर से फाइव भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर जे जो है यहाँ इस सिक्स पर आ जाएगा, ठीक है। अब जे हमारा इस सिक्स पर आ चुका है, अभी भी लेकिन बड़ा ही है, ठीक है अभी भी ये बड़ा है, तो अभी भी बड़ा है, तो फिर हम दोबारा से इसको फाइव से काट के सिक्स कर देंगे, फाइव काट के हमने सिक्स कर दिया, और इसको हमने आगे पहुंचा दिया, ठीक है यहाँ पहुंचा दिया, जी हो गया यहाँ पे। अब हम कंपेयर करते हैं, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली छोटा हो गया, ठीक है, राइट साइड में बड़ा एलिमेंट अब प्रेजेंट नहीं है, और ये मिनिमम एलिमेंट था, आई वाला एलिमेंट जो था वो अभी मिनिमम एलिमेंट था, ये सो फार मिनिमम एलिमेंट हमें फाइंड किया था, तो अगर ये राइट साइड वाला एलिमेंट इससे भी छोटा है, तो इसके लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट से छोटा होने ही वाला है, क्योंकि ये तो मिनिमम एलिमेंट था, ठीक है, ये सबसे छोटा एलिमेंट था, आई वाला एलिमेंट सबसे छोटा था, तो अगर जे वाला एलिमेंट इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड वाले सारे एलिमेंट से छोटा ही होगा, तो आई को आगे बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि आगे और छोटा एलिमेंट हमें मिल सकता है, और आप देखोगे कंपेयर करोगे हाँ यहाँ पर फोर और फोर है, छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेस देन होना चाहिए, तो अगर दोनों बराबर भी हैं तो भी हम बोलेंगे ठीक है बराबर भी हैं तो भी बड़ा ही मानेंगे, हम बोलेंगे आगे बढ़ाओ आई को, आगे और छोटा एलिमेंट मिल सकता है हमें, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, हमारा आई आ जाएगा यहाँ पर। अब हम कंपेयर करेंगे, हम बोलेंगे हाँ ठीक है एक्चुअली अभी ये छोटा हो चुका है, ए आई इज लेस देन ए जे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है यहाँ से, जे माइनस आई कितना आ रहा है, क्योंकि हमें तो जे माइनस आई को मैक्सिमम रखना है, तो यहाँ से जे आ रहा है, मैं लिख लेता हूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो जे आ रहा है सेवन, आई आ रहा है टू, तो सेवन माइनस टू विच इज फाइव, यहाँ सारा फाइव, तो क्या इसे अपडेट करेंगे, हम नहीं अपडेट करेंगे, क्योंकि सिक्स तो हमें ऑलरेडी मिला ही हुआ है, तो ऐसा होता है तो हम इस जे को आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है आप आगे बढ़ो, क्या पता आगे बड़ा आंसर मिल जाए, तो जे हमारा एक आगे बढ़ जाएगा। अब दोबारा चेक करेंगे, हाँ एक्चुअली फोर इज ग्रेटर देन वन, और हम कंपेयर करेंगे इनको, और एट माइनस टू विच इज सिक्स, जे माइनस आई, अब यहाँ से सिक्स मिल रहा है हमें, लेकिन सिक्स ऑलरेडी आंसर था, तो हम कुछ नहीं करेंगे और फिर हम जे को आगे बढ़ा देंगे, और ऐसे करते करते जे हमारा फाइनली बाहर आ जाएगा, और जैसे ही ऐसा होता है कि इधर आई या जे बाहर आ जाए, तो वहीं पे अपने लूप को ब्रेक कर देते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है हमें आंसर मिल गया विच इज सिक्स, ठीक है, और ये जो हमें आंसर मिला था ये कहाँ से मिला था, ये हमें मिला था इधर से, इस फाइव से, ये फाइव और ये सिक्स ये बना रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक और सिक्स आंसर आ रहा था कहीं से, वो आ रहा था इससे, इस वन और इस फोर से भी, ये वन और फोर भी एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और ये फाइव और सिक्स भी मतलब सिक्स डिस्टेंस दूर है, सारे बोलो। इस क्वेश्चन को एक बार मैं कोड करता हूँ, फिर मैं रिपीट करूंगा आंसर को, ठीक है, कोड करके आप लोगों को ज्यादा इजी समझ में आने वाला है। उसके बाद मैं ट्राई रन करूंगा, उसके बाद कुछ और दोबारा समझेंगे एग्जांपल के साथ, तब आपको बढ़िया तरीके समझ में आएगा। लेट मी जस्ट कोड दिस, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्या नाम इसका, मैक्सिमम जे माइनस आई, चलो कुछ भी रखते हैं नाम, तो स्टैटिक इंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
माइनस आई कुछ ए मैंने क्या बताया आपको, एक राइट मैक्स बनाना है और एक लेफ्ट मिन बनाना है, राइट। तो इंट राइट मैक्स इक्वल्स टू न्यू इंट इंट एन इक्वल्स टू वेट फैक्टर लेंथ, ये जो बनेगा वो इसी साइज का बनेगा, एक बनेगा लेफ्ट मिन न्यू इंट एन साइज से बनेगा। इन दोनों को बनाना तो बहुत आसान है, बनाते हैं जल्दी से। इंट आई इक्वल्स टू राइट मैक्स बनाते हैं, तो राइट मैक्स का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो तो इसी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। राइट मैक्स का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ए एन माइनस वन के बराबर होगा, और फिर इसकी हेल्प से हम सारे सारे पढ़ देंगे। आई इक्वल्स टू एन माइनस टू, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई माइनस माइनस राइट मैक्स आई इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट, नीचे लिख लेते हैं राइट मैक्स आई इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स राइट मैक्स आई प्लस वन या फिर करंट एलिमेंट ए आई। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी एरे टाइप बट रिजॉल्व टू इंट। अच्छा यहां पर मैंने नहीं लगाया, और लेफ्ट मिन भी ऐसे ही भर जाएगा। लेफ्ट मिन जीरो जो होगा वो तो हमारा ए ऑफ जीरो के बराबर ही होगा, ए जीरो के बराबर, लेकिन उसके बाद आई इक्वल्स टू वन से लेकर आई लेस देन एन तक इसे चला देंगे हम। और लेफ्ट मिन आई इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन लेफ्ट मिन आई माइनस वन या फिर ए आई, तो जो भी दोनों में से मिनिमम होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो एरे तो भर गए। अब इन दोनों एरे का हेल्प से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम दो वेरिएबल बनाएंगे। मैंने जैसे बताया था आई और एक जे, दो वेरिएबल बनेंगे, और लूप हमारा तो चलेगा व्हाइल आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एन, तब तक हमारा लूप चलने वाला है। दोनों की वैल्यू लेस देन एन ही रहनी चाहिए, कभी भी अगर बड़ी बाहर निकल जाते हैं तो हम इसे लूप से ब्रेक कर देंगे। और एक हम आंसर मान लेंगे आंसर, जिसके अंदर फिलहाल हमने जीरो भर दिया है, और हम चेक करते हैं कि इफ लेफ्ट मीन ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स इक्वल्स टू नहीं, इफ इज लेस देन राइट मैक्स ऑफ जे। अगर ऐसा हो रहा है कि ये जो लेफ्ट वाला मिनिमम है ये राइट मैक्सिमम से छोटा है, तो इसका मतलब दिस कैन बी योर आंसर। तो हम आंसर में अपडेट कर देंगे आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर, या फिर यहां से जे माइनस आई मिल रहा है, दिस जे माइनस आई कुड बी दी आंसर, और उसके बाद हम जे प्लस प्लस कर देंगे। एल्स अगर लेफ्ट मिनिमम बड़ा हो गया है, तो अगर लेफ्ट मिनिमम बड़ा है तो इसका मतलब लेफ्ट मिनिमम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आगे और छोटे एलिमेंट मिलेंगे। ये एलिमेंट बड़ा हो गया है तो इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आगे बढ़ाने के लिए सिंपली आई प्लस प्लस कर देंगे। उस केस में हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर सिर्फ तभी अपडेट करना है जब आई इज लेस देन जे, राइट। आंसर सिर्फ तभी अपडेट होगा, तो ऐसा करते चलेंगे। हमारे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, हमें रिटर्न आंसर कर देंगे। ये रहा हमारा कोड, बड़ा सिंपल सा। लेट्स रन दिस फॉर सम टेस्ट केसेस। ये रहा, इसी एरे के लिए रन करके देखते हैं एक बार। मैक्स वैल्यू ठीक है, ये पास कर दिया इसके अंदर, इसके लिए रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर रिटर्न होता है। तो यहाँ से 8 रिटर्न हो रहा है, देखते हैं, आई थिंक 8 ही है इसके लिए तो, राइट। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, ये 4 8 इंडेक्स पर प्रेजेंट है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है।
ऊपर वाले अरे के लिए चला के देखते हैं। तो इसके लिए तो 3 और 6 वाला ही मिल जाने वाला है हमें, तो ये तो यहीं से रिटर्न कर देगा 5 0 1 2 3 4 5। हाँ अगर यहाँ पर 6 की जगह मैं डाल देता हूँ सपोज करो कुछ और विच इज 1, तो रन करके देखते हैं क्या होता है। तो हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है, और वो 3 किस वजह से मिल रहा है, इसकी वजह से मिल रहा होगा, 3 और 4 की वजह से, राइट। हाँ इसकी वजह से मिल रहा होगा। अब जरा समझते हैं इसको, 3 और 4 की वजह से मिल रहा है ना। हाँ ठीक है, अब जरा इसे रन करते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। आई होप वैसे तो काफी ज्यादा इंट्यूटिव सा ही कोड था इसका, तो मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था कुछ, एकदम कुछ अलग ही कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन इसको रन करते हैं, ठीक है, लेट्स रन दिस फॉर दिस एरे। या फिर मैं इस एरे के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ यार। 4 3 5 4 2 1, लेट्स रन दिस। अभी भी 3 मिलेगा, ठीक है, इसके लिए रन करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो ये लेफ्ट मिन और राइट मिन तो हमें समझ में आ गया, राइट। ये तो हमारा एरे है ए, ये तो भरी जाएगा, और लेफ्ट वाला जो हमारा लेफ्ट मिन वाला जो एरे है ये भी हमें समझ में आ रहा होगा कि ठीक है ये वाला कैसे भरा जा रहा है। लेफ्ट साइड में जो सबसे छोटा एलिमेंट है 4 3 3 1 1 1 और 1, और जो राइट मैक्स है वो हमारा ऐसा कुछ है जो राइट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट है, राइट। यहाँ पर एक्चुअल में 1 था, हाँ 2 4 के बाद 4 फिर 5 5 5 5 5 5, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया अपना, चलो ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हमें आई और जे बनाना है। आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा, आई वाला हमारा इस एल के लिए बना है, ठीक है, आई वाला हमारा इस एल के लिए बना है, और जे वाला हमारा आर के लिए बना है। तो आई हमारा 0 है और जे हमारा 0 है, जरा समझते हैं जरा ठीक से, ठीक है। तो व्हाइल आई इज लेस देन एंड जे इज लेस देन एंड, ठीक है, अभी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इफ लेफ्ट मिन इज लेस देन राइट जे, तो लेफ्ट मिन है 4 राइट जे है 5, इसका मतलब क्या भैया, लेफ्ट मिन और राइट मैक्स आपने बना के क्या अचीव कर लिया। तो देखो यार, हमें बताना था कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि लेफ्ट, मतलब फॉर एनी आई एंड जे पेयर हमें बताना था मैक्सिमम जे माइनस आई सच दैट ए जे इज ग्रेटर देन ए आई। इसका मतलब लेफ्ट साइड में छोटा एलिमेंट चाहिए, राइट साइड में बड़ा एलिमेंट चाहिए, और वो जितने ज्यादा दूर हो सके उतना ही अच्छा है, वही हमारा आंसर होगा, वही दूरी हमारा आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब जरा समझते हैं, इफ लेफ्ट मिन इज लेस देन राइट मैक्स जे, इसका मतलब है कि हमने देख लिया कि भैया लेफ्ट साइड से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा मिला है हमें, राइट, लेफ्ट साइड से हमें छोटा एलिमेंट सबसे कौन सा मिलते आ रहा है, और राइट साइड से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा मिलता आया है हमें। और हमें पता है कि ये राइट साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट है और ये लेफ्ट साइड का सबसे छोटा एलिमेंट है अभी फिलहाल के लिए, फॉर एनी आई जे। तो हमें पता है कि आंसर अगर मिलेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉबिलिटी की इसी से हमें मिले, ठीक है, हो सकता है इसी से हमें आंसर मिल जाए, क्योंकि ये राइट साइड में सबसे दूर होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट है, और ये लेफ्ट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर हमें मिल जाता आंसर तो ठीक है, हम आंसर को अपडेट कर देंगे, अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है अभी भी। तो वही वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ लेफ्ट मिन आई, मतलब ये जो अगर 4 है, अगर ये छोटा है 5 से, तो हाँ छोटा है 5 से, इसका मतलब लेफ्ट में कहीं ना कहीं 4 प्रेजेंट है, 5 कहीं ना कहीं दूर प्रेजेंट होगा, राइट साइड में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है 5, ठीक है। अभी फिलहाल इनके बीच का डिस्टेंस हमारे कितना आ रहा है, अभी फिलहाल इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 होगा, मतलब 0 होगा, सॉरी, राइट। अभी फिलहाल के बीच का डिस्टेंस जो है जे माइनस आई विच इज 0, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि हाँ 4 और 5 से आंसर आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 5 है, इनसे आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें आंसर को मैक्सिमाइज करना है, तो जे को प्लस प्लस कर दो, जे को आगे भेजो, राइट। तो हमने वही किया, जे को हमने आगे भेज दिया, तो जे अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली 5 पर आ जाएगा। अभी भी राइट साइड में बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे अब कितना आ रहा है जे माइनस आई विच इज 2, सॉरी 1, राइट, 1 माइनस 0 विच इज 1। मैं यहाँ पे इंडिसेस भी लिख देता हूँ, आई हाँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे इंडिसेस प्रेजेंट है। तो अभी जे माइनस आई आ रहा है हमारा 1 माइनस 0 विच इज 1, तो हमने आंसर को अपडेट कर दिया 1 से, और अभी भी छोटा है लेफ्ट वाला, तो इसका मतलब आगे हो सकता है और बढ़िया आंसर मिल जाए हमें, ठीक है, जे माइनस आई को मैक्सिमाइज करना है, तो जे को आगे भेजो,
तो जे को हमने और आगे भेजा और अभी भी ये बड़ा है, तो हमने फिर आंसर को अपडेट कर दिया, वो जाएगा आंसर 2। ठीक है, देख लो आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ प्रीवियस आंसर विच वॉज 1 या फिर जे माइनस आई विच इज 2, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा, इसीलिए हमारे आंसर में 2 चला जाएगा और हमने जे को आगे भेज दिया। अब हमारा जे यहाँ पर आ जाएगा, अब हमारा लेफ्ट तो 4 है, राइट भी 4 है, क्योंकि दोनों 4 है तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एल्स में आ जाएंगे। हम बोलेंगे ठीक है कि लेफ्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, लेफ्ट वाले को आगे भेजो क्योंकि आगे इसको छोटे एलिमेंट मिलेंगे, तो हमने आई को यहाँ भेज दिया। आई हमारा यहाँ पर है, जे हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये छोटा है, 3 इज लेस देन 4, तो हम आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर को अपडेट करेंगे तो यहाँ से मिल रहा है 3 - 1 विच इज 2, और ऑलरेडी 2 मिल ही रखा है, तो हम ज्यादा आंसर को अपडेट नहीं करेंगे, 3 को आगे भेज देंगे, सॉरी 4 को आगे भेज देंगे। ठीक है, 4 अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर है, 3 हमारा यहाँ पर है, 3 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है हमारा 4 - 1 विच इज 3, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, जे माइनस है, यहाँ से हमें 3 मिल रहा है। अच्छा, मैं आई और जे को अपडेट ही नहीं कर रहा था। आई हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जे हमारा 4 हो गया था, सॉरी। तो हमारा यहाँ से आंसर हमें मिल रहा है 3। हम बोलेंगे ठीक है आंसर 3 मिल गया, इसको हम आगे भेजते हैं। अब हमारा ये जे जो है 5 हो जाएगा, ठीक है, जे प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 पर 2 है और आई पे 3 है, तो ये एक्चुअली एल्स वाली कंडीशन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से आंसर मिल नहीं सकता, तो हम इसे आगे भेज देंगे। हमारा आई हो जाएगा 2, हमारा आई 2 हो गया, तो अब यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है, अभी भी हमें यहाँ से आंसर नहीं मिल सकता, तो हम अगेन आई को आगे भेज देंगे, तो आई हमारा हो जाएगा 3। अभी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 2 है, तो हमें यहाँ से आंसर मिल सकता है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 5 - 3 विच इज 2 विच इज नॉट ग्रेटर देन 3, राइट। तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, सॉरी जे प्लस प्लस कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो अब यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर भी ये 1 है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल नहीं सकता, तो हम इसे आगे भेज देंगे। आगे भेज देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, अगेन एल्स वाली कंडीशन में आएंगे हम, ठीक है। ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी लेस नहीं है, तो इसलिए हम आई में आगे भेज देंगे इसे, एल्स में आएंगे तो आई हो जाएगा 5। यहाँ पर दोबारा कंपेयर करेंगे, सेम कंडीशन, आई हो जाएगा हमारा 6। अगेन कंपेयर करेंगे, सेम कंडीशन, आई हो जाएगा हमारा 7। अगेन कंपेयर करेंगे, लेकिन हाँ जैसे आई हमारा 7 हो जाएगा, एन क्योंकि 6 ही था सिर्फ, और आई हमारा 7 हो चुका, तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और आंसर में जो भी था हम रिटर्न कर देंगे, तो आंसर में 3 था। इसके अंदर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं स्पेस की, इसके अंदर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करके सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक काम कर सकते हो, हाँ एक काम कर सकते हो, इसके अंदर आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं मैं, आप लोग ट्राई करना कि कोई एक एरे ना बनाओ, ठीक है। एक कोई एक ना बनाओ तो भी काम चल जाएगा, मतलब इधर लेफ्ट मिन ना बनाओ या फिर राइट मैक्स ना बनाओ, इधर ये वाला मत बनाओ या फिर ये वाला मत बनाओ, इधर वे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल स्टिल बी बिग ऑफ एन, इट वॉन्ट बी रिड्यूस्ड फर्दर टू बिग ऑफ 1, ठीक है। बट हाँ स्टिल यू कैन डू दैट, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपको एक वेरिएबल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऑलराइट, अगले पर मूव करें। देखो अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है ना, तो फिर एक बार दोबारा समझ लेना या दोबारा से सब पढ़ने का ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। फाइंड टू नंबर इन अ सॉर्टेड एरे, फाइंड करो दो नंबर एक सॉर्टेड एरे के अंदर सच दैट उनका सम जो है वो किसी गिवन सम के बराबर है। वेरी इजी क्वेश्चन, ब्रेक ब्रेक बाद में लेना, पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो क्योंकि इसके बाद एक और समझना है, ठीक है, टाइम नहीं ज्यादा। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को एक एरे दे रखा है, एरे कुछ भी लेते हैं, सॉर्टेड एरे, ठीक है, गिवन है सॉर्टेड एरे, तो 1, 2, 7, 8, 10, 12, और आप लोगों को बताने क्या इस एरे के अंदर दो नंबर ऐसे प्रेजेंट है जिनका सम किसी के के बराबर है, ठीक है, या फिर सम दे रखा होगा ऑलरेडी, सम क्या इसके अंदर दो नंबर ऐसे प्रेजेंट है जिनका सम किसी सम के बराबर है, सपोज करो 13 दे दिया, तो क्या यहाँ पर 13 है, तो हाँ 13 तो प्रेजेंट है, पहले दिख गया 13, तो 12 प्लस 1 विच इज 13, 10, दो नंबर जिनका सम किसी सम के बराबर है, ठीक है, ये हमें बताना है प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, आज हमने बतेरे टू पॉइंटर वाले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो टू पॉइंटर मत बोलना भैया, टू पॉइंटर कब कराया आपने, तो एरे करा के छोड़ दिया, तो टू पॉइंटर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, टू पॉइंटर इज जस्ट अ टेक्निक, इट्स नथिंग एल्स, टू पॉइंटर इज जस्ट अ टेक्निक जो कि आप करते रहते हो अलग अलग क्वेश्चन के अंदर, इवन दिस क्वेश्चन वॉज टू पॉइंटर, राइट, दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो टू पॉइंटर,
जब भी आप दो पॉइंटर बना बना के कुछ काम कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड टू पॉइंटर अप्रोच, ज्यादा कुछ और फैंसी नहीं होता। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के मल्टीपल तरीके हमारे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले तो यार सॉर्टेड एरे सुन के ना थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सॉर्टेड एरे दे रखा ऑलरेडी, मतलब इस सॉर्टेड चीज का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉर्टेड नहीं दिया होता, अनसॉर्टेड होता, तो एक तरीका जो सबसे ज्यादा ब्रूट फोर्स तरीका जो हमारे दिमाग में आता वो ये होता कि सर दो फॉर लूप चला देंगे हम, एक फॉर लूप ये, एक फॉर लूप ये, और सम निकालते चलेंगे दोनों, मतलब दो एलिमेंट्स का, एक हमारा आई होगा जो जीरो से चलेगा और जे होगा जो कि आई प्लस वन से चलेगा, दो नंबर का सम निकालते चलेंगे, दो नंबर का सम अगर के भी जो हमारा गिवन सम है उसके बराबर हो गया तो हमारा, मतलब अगर करंट सम कभी भी सम के बराबर हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि ठीक है हमें दो एलिमेंट मिल गए। वो बोलेगा ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, बिग ऑफ एन स्क्वायर आ रही है सर। ठीक है मैंने आपको सॉर्टेड एरे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने आपको बोल रखा है ये एरे सॉर्टेड है, क्या इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर रिड्यूस कर सकते हो? तो आप बोलोगे ठीक है अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है अब इसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इंडिसेस कैसे रिटर्न करें, इवन हाँ इवन इवन यू कैन रिटर्न द इंडिसेस एज वेल राइट, मतलब यहाँ पर इंडिसेस रिटर्न करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास बनानी पड़ेगी, वो कर लो या फिर यहाँ पर प्रिंट कर दो सिंपल। क्या बोलते हो? ठीक है प्रिंट कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, आई और जे प्रिंट कर देंगे। ठीक है मतलब ऐसे ये कर सकते हो आप, ठीक है यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो आप लोग, तो वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कुछ और है लेकिन एक सेकंड, क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसे सॉल्व करना है थोड़ी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर और आपको एरे जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी का आप लोग कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो? आप समझो ये जो टेक्निक बताने वाला हूँ ये टेक्निक इतनी ज्यादा बार यूज होती है कि आप लोगों को सॉर्टेड एरे देख के जब भी बोला जाए ना सॉर्टेड एरे के अंदर सब एरे वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा ये टू पॉइंटर वाली टेक्निक ज्यादातर टाइम लगी रहती है। ठीक है हमेशा काम करी जाती है, जब भी सॉर्टेड एरे के अंदर दो एलिमेंट बोले जाएं या फिर सब एरे का काम पूछ करने को बोला जाए तो वहां पर टू पॉइंटर अप्रोच लग जाती है। अब ये जो टू पॉइंटर है जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम पॉइंट से ही चलनी स्टार्ट हो, टू पॉइंट हो सकता है शुरुआत से चलने स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब कहीं से भी चलने स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक है हमें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला तरीका आ गया समझ में, लेकिन हम दूसरे तरीके समझने वाले हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट बनाएंगे, ठीक है एक लेफ्ट बनाएंगे, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, एक बनाएंगे लेफ्ट और एक बनाएंगे राइट और इन दोनों का सम लेंगे। हमें पता है कि एरे जो है वो सॉर्टेड है राइट, हमें इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करना है कैसे भी करके, तो हम जरा इन दोनों का सम निकालते हैं, ए लेफ्ट प्लस ए राइट ये निकालते हैं, यहां से कितना आ रहा है तो यहां से देखेंगे 1 + 12 आ रहा है सर, 1 + 12 विच इज 13, हम बोलेंगे 13 आ रहा है इन दोनों को जोड़ के और हमें सम चाहिए था 10, तो अगर हमें सम 10 चाहिए तो हम किस तरीके से लेफ्ट और राइट को मूव करें, तो अगर मैंने लेफ्ट को आगे की साइड मूव कर दिया तो सम अभी 13 था, सम और ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो इस बात को? आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, सम अभी इन दोनों को जोड़ के 13 आ रहा है, अगर मैंने एल को और आगे भेज दिया तो हमारा सम और ज्यादा हो जाएगा, देखो एल को अगर मैंने आगे भेज दिया तो हो जाएगा 12 + 2 = 14, और आगे भेज दिया तो हो जाएगा 12 + 7 = 19, तो सम हमारे गिवन सम से मतलब जो हमें निकालना था सम 10 उससे ज्यादा होता जाएगा। हम बोलेंगे नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो सम को कम करना पड़ेगा राइट, अगर सम को कम करना है तो आर माइनस माइनस कर दो, ठीक है आर को पीछे लेके आओ, तो हमें एक एक, एक लॉजिक यहीं से बिल्ड होने लग जाना चाहिए, एक लॉजिक हमारे दिमाग में वहीं पे हिट करने लेना चाहिए कि अगर करंट सम जो है वो हमारे गिवन सम से कभी भी ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये सम कुछ ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है तो इसका मतलब आर माइनस 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 करने का टाइम आ चुका है। ठीक है आर माइनस माइनस, अगर ऐसा नहीं है, अगर else if current sum less than sum है, मतलब अगर जो अभी current sum हमें मिल रहा है वो original sum से छोटा है, इसका मतलब हमें बढ़ाना पड़ेगा अपने sum को, तो sum को बढ़ाना है तो left side से plus plus करना पड़ेगा, तो left plus plus करेंगे, else ना छोटा है ना बड़ा है तो इसका मतलब हमें मिल गया राइट, रिटर्न कर दो ट्रू, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है इसका मतलब बराबर है और अगर बराबर है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, तो ये वाला लॉजिक हमारे दिमाग में हिट करने लग जाना चाहिए। इसको इवन ड्राई रन कर सकते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे 12 + 1 = 13 है, 13 हो गया है तो हमें यहाँ पर देख रहा है कि करंट सम जो है वो ज्यादा हो चुका है तो आर माइनस माइनस करते हैं तो आर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है आर आ जाएगा यहाँ पर,
अब दोबारा से निकालेंगे तो अब वहां मिलेगा सम एल प्लस आर, 1 प्लस 10 विच इज 11। ये स्टिल ज्यादा है राइट, ये स्टिल हमारा ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोबारा से इसे कम करेंगे। ठीक है, आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ऐड करते हैं तो 8 प्लस 1 अब हो जाएगा 9। ठीक है, 1 प्लस 8 9, तो अब ये सम हो गया कम। अब ये कम हो गया तो इसका मतलब एल प्लस प्लस करने की जरूरत है, तो एल प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम निकालेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस 8 विच इज 10। ओके सर, मिल गया यहीं पे। ठीक है, यही आंसर है। आपको याद होगा एक हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स में क्वेश्चन किया था जिसके अंदर एक सॉर्टेड एरे था, सॉर्टेड मैट्रिक्स था, रो वाइज भी सॉर्टेड था, कॉलम वाइज भी सॉर्टेड था। उसके अंदर हमने कुछ इस टाइप की अप्रोच की थी कि अगर सम छोटा है तो इसको कॉलम को इग्नोर कर दो, बड़ा है तो इस रो को इग्नोर कर दो, इस तरीके से हम करते चल रहे थे और तब भी हमें आंसर मिल जा रहा था। सिमिलर टाइप की कुछ चीज यहाँ हो रही है, और ये लूप हमारा तब तक चलेगा व्हाइल एल इज लेस देन आर। ठीक है, अगर ऐसा करते करते हमें एलिमेंट मिल गया कभी, सम अगर बराबर हो गया तब तो हम बोलेंगे ठीक है मिल गया, अदरवाइज हमने इटरेट तो सिर्फ एक ही बार किया इसे, तो इसलिए यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, बिग ऑफ एन आएगी। थीटा ऑफ एन क्यों नहीं बोल रहे भैया, क्योंकि थीटा ऑफ एन तब बोलते जब एक बार पूरा पूरा ट्रेवल करना ही पड़ता, यहाँ पर जरूरी नहीं है ट्रेवल करना पड़े आपको, जैसे हमें पहले ही मिल गया आंसर, राइट? दैट्स व्हाई। तो इसको कोड कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सरल सा कोड रहने वाला है, इट्स नॉट वेरी हार्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले बताया था इससे इजियर प्रॉब्लम, बट इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। इसको आप टू सम भी कहते हो, ए इसमें आपको एक ये दिया होता है और ये आपको सम दिया होता है, पर आप लोगों को रिटर्न करना होता है इधर प्रेजेंट है कि नहीं है, या तो ये कर दो या फिर प्रिंट कर दो। ओके तो मैंने जैसे बताया कि एक तो लेफ्ट बनाएंगे इसके अंदर, हम लेफ्ट होगा 0 और राइट बनाएंगे इसके अंदर हम एक, जो कि होगा ए डॉट लेंथ -1 के बराबर। लूप चलेगा व्हाइल एल इज लेस देन आर, और इफ ए ऑफ लेफ्ट नहीं करते, करंट सम बोल देते हैं, इंट करंट सम इक्वल्स टू ए एल प्लस ए आर, इफ करंट सम इज ग्रेटर देन सम, अगर ज्यादा हो रहा है सम तो हमें इसका मतलब कम करने की जरूरत है, तो आर माइनस माइनस करके कम कर देंगे, एल्स इफ करंट सम इज लेस देन सम, सम छोटा हो गया है तो इसका मतलब हमें पढ़ाने की जरूरत है तो एल प्लस प्लस कर देंगे, एल्स हमें मिल गया है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। राइट, इसे कैसे हम इसे कर सकते हैं सॉल्व इजीली, इसको हम लेट्स रन दिस आउट फॉर सम एरे और सम सम कुछ बना लेते हैं, लेट्स मेक 3 प्लस 2 5, तो क्या 5 सम प्रेजेंट है इसके अंदर, लेट्स सी। हाँ 5 ऐसे हमें दिख रहा है प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्लस 2 विच इज 5। क्या यहाँ पर 8 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 8 सम नहीं मिल, अच्छा 8 सम मिल तो रहा है, एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई फिर तो। अच्छा सॉर्टेड एरे नहीं था, ये एरे सॉर्टेड नहीं है, माय मिस्टेक। इंट ए, देखिए ये जो टेक्निक है ये सिर्फ सॉर्टेड एरे में ही काम करेगी। ठीक है, जो हमने टू पॉइंटर वाली अप्रोच बताई है ये सिर्फ सॉर्टेड एरे में ही काम करने वाली है। आप ही आप बोलोगे भैया सॉर्टेड एरे नहीं हुआ क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये वाला ले लें, 1 2 7 8 10 and 12, and सम अगर 5 ढूंढ रहे हैं तो 5 तो नहीं मिलने वाला इसे, मिल रहा है क्या 5, कहाँ से मिल रहा है इसे, 8 लिखा मैंने, सम 5 करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो ये नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा इसे, लेकिन अगर हम यहाँ ढूंढे 12 15 15 मिल जाएगा इसे। ठीक है, अब इसे ड्राई रन कर लेते हैं, इजी प्लस प्लस, भाई इजी प्लस प्लस मत बोलो क्योंकि सबके लिए नहीं होता, इजीनेस एंड हार्डनेस इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है,
वॉट इज इजियर फॉर यू माइट बी मीडियम और हार्ड लेवल प्रॉब्लम फॉर समवन एल्स. एनीवेज इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से, इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे होगा वो वाला. ठीक है, तो ये तो हमारा एरे हो गया. ऑल राइट भैया, सही है. अब हमें निकालना है सम इसके अंदर से, सपोज करो 15. तो वैसे तो ड्राई रन हमारा ऑलरेडी एक बार हो चुका है, लेकिन दोबारा से एक बार कोड के साथ ड्राई रन देख लेते हैं. तो एल होगा हमारा 0, आर हो जाएगा हमारा इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, आर हमारा हो जाएगा 5. ठीक है, तो L हमारा यहाँ पर है, R हमारा यहाँ पर है, इन दोनों का सम करते हैं तो सम आएगा 13. तो 13 इज लेस देन 15, राइट? 13 इज लेस देन 15, तो इसलिए हम L प्लस प्लस कर देंगे, तो L हो जाएगा हमारा 1. तो अब ये हो जाएगा ये 2 और 12. ठीक है, L हमारा 2 पे है और R हमारा 12 पे है. 12 प्लस 2 विच इज 14, 14 इज अगेन लेस देन करंट सम, राइट? 15 से छोटा है, तो अगेन हम L प्लस प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2. अब ये हो जाएगा 7 पे और ये हो जाएगा 12 पे. तो 7 प्लस 12 विच इज 19, तो 19 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 15, राइट? तो हमारा इस इफ वाली कंडीशन में हम आएंगे और हम r माइनस माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 1 विच इज 4. तो अब ये हो जाएगा 7 और 10, तो ये हो जाएगा 17. अब 17 इज ऑल्सो ग्रेटर देन सम, राइट? तो हम r माइनस माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 से 3. और अब ये आ जाएगा 7 पे और ये 8 पे. हम चेक करते हैं, तो 7 प्लस 8 विच इज 15, तो ये तो इक्वल हो गया, तो इसलिए हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से ट्रू. ठीक है, और अगर सपोज करो कुछ ऐसा ढूंढते जो कि मिलता ही नहीं से, सपोज करो मैं ढूंढता यहाँ पे 14 ढूंढता, 14 मिल जाएगा क्या? 14 नहीं मिलेगा. ठीक है, नहीं मिल जाएगा. हाँ, सपोज करो 50 ढूंढने का ट्राई करते हैं. ठीक है, 50 ढूंढने का ट्राई करते हैं, तो 50 इसे कहीं मिलेगा ही नहीं. देखो एल 0 होगा, आर होगा 5, तो 1 प्लस 12 क्या होता है, 13, राइट? 13, तो करंट सम हमारा जो है वो छोटा है, तो हम करेंगे L प्लस प्लस, तो L प्लस प्लस ही करते रह जाएंगे. यहाँ से L यहाँ पर आएगा, अभी भी छोटा है, तो अगेन L प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, और सबसे मैक्सिमम जो दो नंबर सम निकाल सकते हैं वो हो सकता है 22, और आप ढूंढ रहे हो 50. तो जैसे ऐसा होगा तो ये L फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा, और L इज लेस देन R वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम यहाँ से रन कर देंगे फॉल्स. ठीक है, 50 के लिए अगर हम इसे रन करें तो हमें मिलने वाला है फॉल्स. ओके, ये क्या फट गया ये तो? अच्छा, ऊपर कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, फॉल्स. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, विच इज दिस, फाइंड थ्री नंबर्स इन अनसॉर्टेड एरे. अच्छा, पहले तो सॉर्टेड एरे, अगर अनसॉर्टेड एरे दिया होता भैया तो कैसे फाइंड करते? तो दो तीन तरीके हैं. ठीक है, अगर यहां पर अनसॉर्टेड एरे दिया होता आपको तो कैसे फाइंड करते? दो तीन तरीके हैं. तो एक तरीका तो है आप लोग स्पेस यूज कर, मतलब एक तरीका तो आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला आपको पता ही है, वो तो काम करेगा ही करेगा. ठीक है, इसमें आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों की बिग ऑफ एन स्क्वायर आती है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ वन आती है, राइट? आपको कोई स्पेस यूज नहीं करना पड़ता. एक काम कर सकते हो आप लोग कि आप लोग एक स्पेस यूज कर लो, इसके अंदर सेट बना लो. ठीक है, अगेन सेट कैसे काम करता है, सेट हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अभी अब मैं इसकी चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा. सेट पढ़ेंगे तो मे बी इस वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा लेके आ जाऊं. तो सेट बना लोगे तो आप लोगों को सिर्फ एक बार इटरेट करना पड़ेगा, और सेट में आप लोग एलिमेंट डालते रहोगे, और आप लोग चेक करोगे क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, एंड बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आप लोग इसे बिग ऑफ एन में कर सकते हो. तीसरा तरीका हो सकता है कि इसे सॉर्ट कर लो आप. ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया सेट, ये हो गया ब्रूट. तीसरा तरीका होता है इसे सॉर्ट कर लो आप. ठीक है, तो सॉर्ट करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, एन लॉग एन तो सॉर्ट करने की आती है, प्लस बिग ऑफ एन आएगी. सॉर्ट करने के बाद आप लोगों को बिग ऑफ एन वाली भी आएगी, तो बिग ऑफ एन लॉग एन प्लस एन, ये तो आपको देने वाला है बिग ऑफ एन लॉग एन ही. तो अनसॉर्टेड एरे के अंदर अगर आप लोगों को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन रखनी है, तो आप लोग एन लॉग एन में से कर सकते हो बाय सॉर्टिंग दिस एरे. एक बार सॉर्ट कर लोगे उसके बाद तो आप लोगों का बिग ऑफ एन में हो जाएगा. तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो. तो ये तीन तरीके हैं इस तरीके से कर सकते हैं. ये था फॉर टू सम. अब हम बात करेंगे थ्री सम की. फाइंड थ्री नंबर्स इन एन अनसॉर्टेड एरे विद द गिवन सम. तो इसके लिए पहले आप एक ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, तो 10:19 हो रहे हैं, 10:22 तक आ जाओ, 10:22 तक आ जाओ.
टाइम एक्सटेंड करेंगे जब 10-25 के पार हो रहा होगा, अभी एक्सटेंड टाइम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होता वहां पर। ठीक है, एक बार मुझे याद दिलाना था, 10-25 के बाद हो जाए। कोड तो अभी दिखाया था ना मैंने, ये रहा 2 सम वाला कोड, इसको ट्राई रन करके देख लेता। टेलीग्राम का लिंक दे दो, टेलीग्राम का लिंक है नहीं क्या आपके पास? एक सेकेंड लिखता हूँ। टेलीग्राम इज बेसिकली, एक सेकेंड, मेरे को तो याद हो गया है, telegram.me। अनुज भैया SAIYAUA। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड अभी तक बन नहीं पाया ना यार, एक्चुअली कुछ कुछ काम चल रहा है उनके सिस्टम में, कुछ तो वो नया रिफॉर्मेट कर रहे हैं डेटाबेस को, जिसकी वजह से डिलेट कर रहे हैं। मैं आज दोबारा बात कर लेता हूँ डिस्कॉर्ड का, करवाऊंगा यार डिस्कॉर्ड। आई नो काफी लोग बोल रहे हैं डिस्कॉर्ड की दिक्कत है, मुझे बोला जाता है डन अनुज डन, डिस्कॉर्ड हो गया सर। एंड देन बोलते हैं कि अब ये चल रहा है वो चल रहा है, तो इस टाइप की चीज चल रही है। बट कोई नहीं, मैं नहीं बना सकता भाई, मेरे पास डेटाबेस नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज दिस क्वेश्चन, ये वाला भी पूछा जाता है काफी कंपनीज के अंदर, लेकिन अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया इसलिए पूछना बंद कर दिया। सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर अभी भी पूछ लेंगे, लेकिन ये सब, ये वाला न्यूअर था, आई मीन ये भी पुराना है लेकिन ये पूछते रहते हैं अभी भी, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछते रहते हैं। कितने का टाइम था ना, 10-21 10-22। कल से रिकर्जन, कल क्या है, कल तो थर्सडे है, कल कुछ नहीं होगा, फ्राइडे से रिकर्जन। यस, फ्राइडे से रिकर्जन फुल पावर चालू कर देंगे, देन रिकर्जन फिर बैक ट्रैकिंग करेंगे। रिकर्जन में काफी लोगों को दिक्कत होती है, बट टेंशन ना लो, रिकर्जन ऐसे पढ़ने वाले हैं कि रिकर्जन के आप चैंप हो जाओगे। ठीक है, रिकर्जन मुझे भी याद है, जब मैंने नई नई पढ़नी स्टार्ट की थी तो मेरे को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। फिर मैंने एक दिन क्या किया, वो कौन सा वाला तो ऐड है जिसमें वो बताता है, खली बताता है। फिर मेरी मासी ने कहा नहीं, फिर मैंने क्या किया कि एक वेबसाइट थी जहां पर ना रिकर्जन के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे उन्होंने, तो मैंने कुछ नहीं किया, 3-4 दिन बस रिकर्जन के ही क्वेश्चन लगातार करते गया करते गया करते गया करते गया। उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि इतने क्वेश्चन कर लिए बहुत है, अब जरा बाइनरी ट्री में मूव कर जा, कि उसमें बहुत दबा के रिकर्शन लग रहा होता है। मैंने फिर बाइनरी ट्री पढ़ा थोड़ा सा 2-3 दिन, उसके बाद फिर बाइनरी ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करते गया करते गया करते गया, तो फिर रिकर्शन फिर आने लग गया था समझ में। और फिर मैंने उसकी एक जनरलाइज्ड अप्रोच अपने मन में बना ली थी कि इस तरीके से ही होते हैं ज्यादातर रिकर्शन के क्वेश्चन, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। शेर से ज्यादा रिकर्शन से डर लगता है, अरे टेंशन ना लो। हाँ, मैंने 2019 में पास आउट किया था, इन्फोसिस निकलवा दो, अरे इन्फोसिस तो क्या ही है, ऐसे निकाल लोगे, इतने सारे क्वेश्चन ये पूछेंगे भाई इन्फोसिस वाले। ठीक है, अच्छा जी आगे मूव करें, 10-23 हो गए, तो आप लोगों को बेसिकली 3 नंबर दे रखे हैं जिनका सम आपको बताना है गिवन सम के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, मतलब एक एरे दे रखा है, उसके अंदर आप लोगों को 3 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम गिवन सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो काफी सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो ये ले लेते हैं 1 2 4 7 3 5, माइनस भी आ सकते हैं, -2 1 कुछ भी, और एक सम ले लेते हैं। ठीक है, सम ले लेते हैं मान लो 9, तो आप लोगों को इसके अंदर से 3 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम इस गिवन सम के बराबर है। अगर मिल जाता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, या फिर प्रिंट भी कर दो आई जे के जो भी 3 नंबर मिल रहे हैं, अदरवाइज नहीं मिलता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स या -1 कि भैया नहीं मिला। ठीक है, ये 3 नंबर्स का सम इस सम के बराबर हो ही नहीं सकता इस एरे के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने के 3-4 तरीके हैं, इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन अगर आप
ब्रूट फोर्स से निकल के ऑप्टिमाइज करने जाओगे तो लगेगा लगेगा टाइम लगेगा। देखते हैं किससे किस सॉल्व होने वाला है। तो बेसिकली आप लोग बोलोगे कि ठीक है, पहला जो ब्रूट फोर्स वाला तरीका है वो कैसे काम करेगा जी? तो वो ऐसे काम करेगा कि एक फॉर लूप चलेगा हमारा, जीरो से लेकर चलता रहेगा, एक फॉर लूप चलेगा उसके अंदर जो कि आई प्लस वन से चलेगा, और एक फॉर लूप दोबारा चलेगा के लिए जो कि जे प्लस वन से चलना स्टार्ट होगा, ऐसे करके। तो आप लोग तीन फॉर लूप बना लोगे और चेक कर लोगे कि क्या आई प्लस ए जे प्लस ए के अगर गिवन सम के बराबर है तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो। इस तरीके से करते चलोगे तो आप लोग देख रहे हो बहुत खतरनाक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ रहे हो यहाँ से, तो बिग ओ ऑफ एन क्यूब नॉट डिजायर्ड। इससे हम कैसे बेटर कर सकते हैं? तो यार क्वेश्चन को ना आप सब प्रॉब्लम में तोड़ने का ट्राई करो यहाँ पर, ठीक है? तीन चार तो हथकंडे ही होते हैं, ज्यादा हथकंडे नहीं होते जिससे कि आप लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, या तो आप लोग मतलब ऑप्टिमाइज कर पाते हो, या तो आप लोग उसके अंदर स्पेस लगाओगे, या फिर आप लोग उसे सॉर्ट करोगे, या फिर उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ने का ट्राई करोगे, ठीक है? यही तीन चार हथकंडे होते हैं, उसके बाद तो फिर लॉजिक हिट करने लगता है। एक्सटेंड कर दो। ओके 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 ओके। हथकंडे हथकंडे मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में हथकंडे को? टैक्टिक्स। टेक्निक्स। मैजिक। जुगाड़। अमेजन माइक्रोसॉफ्ट निकलवा दो बस, लाइफ सेट भैया। अरे यार हो जाएगी। मैं कह रहा था भाई तुम बढ़िया बढ़िया कंपनी निकाल पाओगे इसको करने के बाद, ठीक है? अच्छे से करते चलो क्वेश्चंस, डोंट वरी, अमेजन माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर्स ही ऑफर्स पड़े होंगे आपके पास। ऑलराइट कहाँ थे हम? तीन। अच्छा इस तरीके से करेंगे तो बहुत बेकार है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको बताया कि सब प्रॉब्लम में तोड़ने का ट्राई करो। सब प्रॉब्लम में कैसे तोड़वाओगे भैया? तो सब प्रॉब्लम में तोड़ने का एक तरीका है कि आप बोलोगे कि तीन नंबर्स का सम होना चाहिए किसी सम के बराबर, तो इसको हम बोल देते हैं कि दो नंबर का सम अगर किसी के बराबर मैंने पहुंचा दिया, दो नंबर का सम अगर मैंने किसी के बराबर पहुंचा दिया, तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट? ये वाला क्वेश्चन हमने किया था कि फाइंड टू नंबर्स जिनका सम के बराबर है, पर मैंने आपको बताया था तीन चार तरीके से होता है वो सॉल्व। तो अगर हमने दो नंबर फाइंड कर लिया जिनका सम किसी के बराबर है, तो बस मुझे करना क्या है, एक फॉर लूप चलाना है और इस फॉर लूप में देख लेना है वो नंबर जिसका सम जो मतलब सम माइनस के इक्वल है, राइट? ऐसा कुछ। क्या कर रहे हो भैया, ये चल क्या रहा है? ठीक से करें एक बार, ठीक है मैं बताता हूँ। बेसिकली यार तीन नंबर का सम आपको फाइंड करना है जो कि किसी एक्स के बराबर है, राइट? तो हमें तीन नंबर ढूंढने हैं ए बी सी जिनका सम किसी, सपोज करो एक्स के बराबर है, राइट? ए प्लस बी प्लस सी एक्स के बराबर है। मैं कहता हूं कि आप ऐसा करो, इस प्रॉब्लम को छोटा करो, तीन नंबर ढूंढने का ट्राई मत करो, आप सिर्फ दो नंबर ढूंढने का ट्राई करो। आप बोलते हो कि ठीक है, अगर ए प्लस बी का सम, ए प्लस बी का जो सम आ रहा है वो किसी के बराबर आ रहा है सपोज करो, तो आप लोगों को बस एक सी फाइंड करना है, फाइंड सी जो कि एक्स माइनस के इक्वल है। चीज सेंस बना रही है कि नहीं बना रही? सेंस बना रही है कि नहीं बना रही? स्क्रीन नॉट विजिबल। अरे भैया स्क्रीन शेयर गई क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं यार, यहाँ तो हो रही है। एक सेकेंड, हो तो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा ओबे यार ये नहीं हो रही थी, ठीक है सॉरी। कितना सारा कुछ कर दिया मैंने देर में। ऑलराइट लेट्स रिपीट अगेन, थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है क्लास बट डोंट वरी। तो पहले तो मैंने आपको बताया था ये बिग ऑफ एन क्यूब वाला तरीका है, तो चलो दिमाग में हिट हो गया होगा, ठीक है बिग ऑफ एन क्यूब है, तीन नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम हमारा गिवन सम के बराबर है, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, हम थ्री सम से इसको टू सम में लेके आते हैं, राइट? कैसे लेके आएंगे हम? हमें फाइंड करना था ए बी सी तीन नंबर जिनका सम किसी एक्स के बराबर है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है एक्स के बराबर होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ये मत करो, ठीक है ये मत करो, आप सिर्फ दो नंबर फाइंड कर लो ए प्लस बी जिनका सम किसी के बराबर है, ठीक है? और उसके बाद आपका काम हो जाएगा सिर्फ फाइंड अ सी
such that c is equals to x minus k, ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो, उल्टा कैसे बोल सकते हो कि फॉर एवरी सी फाइंड ए प्लस बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी, क्या ये चीज सेंस बना रही है? सिर्फ इतना देखो, यस, कि आप लोग तीन नंबर मत ढूंढो, आप फॉर एवरी सी फाइंड ए प्लस बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी, आपको बेसिकली ये फाइंड करना था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। मैं कह रहा हूं इतना ज्यादा आगे मत बढ़ो, आप सिर्फ टू सम वाले क्वेश्चन में इसको रिड्यूस कर दो। टू सम वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस बी फाइंड कर दो सच दैट एक्स माइनस सी के बराबर है वो, ठीक है, ये हमने टू सम वाला क्वेश्चन देखा था, और इसी को हम प्लग कर देंगे इस फॉर लूप के अंदर। हम हर एक एलिमेंट में जाएंगे और उस एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि क्या इस एलिमेंट को अगर मैं सम में से माइनस कर दूं तो जो नंबर मिलता है वो सम वाले दो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है इस एरे के अंदर, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो तीनों का सम करेंगे तो वो एक्स के बराबर आने वाला है। जैसे यहां पर देखो, अगर ए प्लस बी जो है वो एक्स माइनस सी के बराबर है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो ए प्लस बी जो है वो एक्स माइनस सी के बराबर है, प्लस सी कर देंगे तो ये हमारा एक्स के बराबर आ जाएगा, राइट, सिंपल है। तो यही चीज हमें करनी है। अब मैं जरा ये चीज करके दिखाता हूँ कि भैया कैसे होगी ये चीज। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले एक और चीज, आप लोगों का अनसॉर्टेड एरे गिवन है, राइट, ये एक बार जरा इसको ठीक समझ लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन में अनसॉर्टेड गिवन एरे गिवन है, तो आप इसे एक बार सॉर्ट कर लो। सॉर्ट कैसे करते हैं भैया? तो सॉर्ट करने के लिए हमारे जावा के अंदर एक यूटिलिटी होती है, जावा के अंदर एक यूटिलिटी होती है जो कि जावा डॉट यूटिल के अंदर प्रेजेंट होती है। जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जो कि आप लोगों का क्या करता है, ये वाला फंक्शन है एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर अगर आप लोग एरे पास कर देते हो ना कोई भी, तो ये फंक्शन आप लोगों को उस एरे को मतलब उस एरे को सॉर्ट कर देता है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, इस एरे को लेता है और उस एरे को सॉर्ट कर देता है। तो इसकी हेल्प से आप लोग सॉर्ट कर सकते हो, और ये बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से सॉर्ट कर रहा होता है यार, ठीक है। इसमें कोई बबल सिलेक्शन सॉर्ट नहीं लगता, इसके अंदर क्विक सॉर्ट लग रही होती है, तो ये आप लोगों को n log n में कर देता है। तो बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से आप लोगों को सॉर्ट हो जाएगा, खुद से सॉर्ट नहीं करना है। अगर इवन क्वेश्चन में आ जाए, इवन अगर इंटरव्यूअर बोले कि चलो सॉर्ट कैसे करोगे, सॉर्ट का कोड कर लिखो, तो आप बोलोगे भैया मैं सॉर्ट का कोड लिखने नहीं आया, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने आया हूँ, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करवा लो, ठीक है। इंटरव्यू बोलेगा चलो ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट, टेंशन मत लो, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग एरेज डॉट सॉर्ट इंटरव्यूज के अंदर। ये एक गिवन होता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर सॉर्टिंग चाहिए तो आप लोग उसके लिए इस तरीके सॉर्ट कर सकते हो। नाउ अगर ये एरे हमारा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तीन ही नंबर फाइंड करने कहीं भी हो सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी हो, इसलिए सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारा गिवन एरे जो था, जो कि पहले कुछ ये वियर्ड सा प्राणी था, इसको हम रिपीट कर लेते हैं, डुप्लीकेट इसलिए मजा आता है मुझे आईपैड में कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, तो जो ये एरे था, ये एरे सॉर्ट होके कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, माइनस टू वन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सेवन, ये आपका एरे ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इटरेट करना है, यहां से यहां तक जाएंगे, ठीक है, आई हमारा चलेगा यहां से लेकर यहां तक। तो माइनस टू पे जाएंगे हम, पहले माइनस टू पे जाएंगे और हम बोलेंगे कि क्या इस एरे के अंदर सम माइनस माइनस टू, तो सम माइनस ए आई, इसको मान लो के, ठीक है, क्या इसके लिए दो नंबर प्रेजेंट है? तो हमारा यहां से के कितना आएगा, सम है हमारा नाइन, नाइन माइनस माइनस टू विच इज इलेवन, क्या दो नंबर्स ऐसे मिल सकते हैं जिनका सम 11 के बराबर है? तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम टूट गया इसमें कि अब एरे के अंदर हमें फाइंड करना है दो नंबर जिनका सम जो है 11 के बराबर है। और अगर आप लोगों को ऐसे दो नंबर मिल जाते हैं तो आप बोलोगे हाँ ठीक है मिल गए। आपको देखो यहाँ पे मिल रहे हैं सात और चार, दो एलिमेंट मिल रहे हैं जिनका सम जो है वो 11 के बराबर है, इस तरीके सॉल्व करोगे। अगर नहीं मिलता है इस नंबर के लिए तो आप आई में आगे बढ़ोगे, ठीक है।
अब आप आई में यहां पे आ जाओगे और आप बोलोगे ठीक है आई मेरा वन हो गया, क्या इसके अलावा यहाँ पर दो नंबर ऐसे प्रेजेंट है जिनका सम जो है वो सम माइनस ए आई, राइट? तो 9 माइनस 1 विच इज 8। क्या दो नंबर ऐसे प्रेजेंट है जिनका सम 8 के बराबर है? अगर वो मुझे मिल गए तो 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, उन तीनों को जोड़ के मुझे मुझे जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग फिर इसके अंदर पूरे में ढूंढोगे कि हाँ ठीक है, एक 7 ये रहा और एक 1 ये रहा, इन दोनों को जोड़ के 8 आ रहा है, तो हाँ दो नंबर मिल गए। तो इस तरीके से आप लोग फिर फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर जो हमारा कोड कॉल हो रहा होगा बार बार, वो एक्चुअली, समय निकल गया है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा बेस्ड है टू सम के ऊपर ही। तो आप लोग बेसिकली यही वाला कोड कॉल कर रहे होंगे इसके अंदर विद सम ट्विस्ट। बेसिकली आप इसके अंदर एक इंडेक्स ही पास कर रहे होंगे सो दैट आप उसी वाले एलिमेंट को दोबारा से कंसिडर ना कर लो, ठीक है? जिस एलिमेंट को आप देख रहे हो उस एलिमेंट को दोबारा कंसिडर मत कर लेना। तो स्टैटिक बूलियन को कर लेना जी, बहुत ही आनंद आएगा इसको कर लेने के बाद आपको। तो बेसिकली इसके अंदर आपको करना क्या है, एक फॉर लूप चलाना है, आई इक्वल टू 0 ए लेस देन 10 आई प्लस प्लस आई लेस देन एन नहीं होगा, एन माइनस 2 होगा एक्चुअली, ठीक है? और उसके हाँ नहीं, आई लेस देन एन ही होगा, मैं तो दूसरा तरीका सोच रहा था अभी। आई लेस देन एन तक आप इसे चलाओगे, एन क्या है, एन है टेंट एन इक्वल टू ए डॉट लेंथ, और उसके बाद इसके अंदर आप लोग टू सम वाला कॉल कर दोगे कि बूलियन फाउंड इक्वल्स टू टू सम ए, सम कितना मिलना है, सम होगा सम माइनस ए ऑफ आई, इसके अंदर आई भी पास कर देना सो दैट, और फिर सम टू सम वाले फंक्शन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना सच दैट ये आई वाली इंडेक्स को इग्नोर मार दे, क्योंकि आई वाली इंडेक्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, तो इसको आप इग्नोर मार के टू सम रिटर्न कर रहे होगे। तो और अगर मिल जाता है तो रिटर्न कर दोगे ट्रू, इफ फाउंड तो रिटर्न कर दोगे ट्रू, अदरवाइज इसी फॉर लूप में दोबारा चलते रहोगे। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जरा देखते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में समझ में आ रही है भैया आपने पहले तो एक इसको सॉर्ट कर ही दिया था, तो सॉर्ट करने में इसकी लग रही थी एन लॉग एन, ठीक है? इसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक फॉर लूप चला रहे हो, ठीक है? एक फॉर लूप चला रहे हो जो कि आई से लेकर एन तक चल रहा है, तो ये फॉर लूप तो ओ एन में चलने वाला है, और इसके अंदर आप लोग आप कॉल कर रहे हो टू सम ये वाला फंक्शन जो कि खुद अपना बिग ऑफ एन में काम करता है। तो हो क्या रहा है, हमने पहले सॉर्टिंग किया उसके बाद हम इसके अंदर बिग ऑफ एन स्क्वायर काम कर रहे हैं, राइट? तो हमने एन लॉग एन प्लस एन स्क्वायर चल रहे हैं, तो अगर आप लोग इसे बिग ओ में देखोगे तो ये बन जाता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी वाली टर्म लेते हैं, राइट? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर आती है। पहले जो तरीका हम देख रहे थे फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप, इससे हमारी आ रही थी बिग ऑफ एन क्यूब, उससे हम इसे ऑप्टिमाइज करके बिग ऑफ एन स्क्वायर में लेके आ गए हैं। ओके सो करना, बिग ऑफ एन में नहीं हो पाएगा ये। अब इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने आपको दे रखे हैं, इसको जाके सॉल्व करने का ट्राई करना, मजा आएगा इसको करके, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन हैं, आई थिंक आप हो जाने चाहिए। बहुत सारे वेरिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो जाके आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर रहे होंगे रिकर्जन की और बैक ट्रैकिंग की, ठीक है? इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। कुछ लोगों के डाउट्स अगर कुछ हैं तो ले लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों से डाउट सेशन हमारा आगे, और हमारा डाउट सेशन आगे भागा जा रहा है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, किधर गई रे क्लास, स्टॉप। इनवाइट बंटाई कौन है यहाँ पे, ये हेलो, बंटाई? गुड इवनिंग सर। हाय अब्दुल, गुड इवनिंग। सर, मेरा क्वेश्चन बोलने से पहले बस आपको यही बोलना चाह रहा था कि सिंस राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ट्राई कर रहा था आपसे बात करने के लिए, और ये फर्स्ट टाइम है मेरा आपसे बात करना, ठीक है? और आपसे बात करके बहुत अच्छा भी लग रहा है। सर, मेरा डाउट बहुत सिंपल है। सर, लास्ट क्लास में आपने है ना वो
क्वेश्चंस जो भी हमें असाइनमेंट दिए थे उसमें एक है ना मूरे वोटिंग एल्गोरिथम बोल के था सर एक क्वेश्चन, जी मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे भी देखा और वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर सॉल्व करने में, अगर आप वो क्वेश्चन एक बार बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है, मूर वोटिंग एल्गोरिदम पढ़ना है। वो मैंने आई थिंक हाँ सर, असाइनमेंट पर दिया था, है ना? मैं यस यस बोल सर, दिया। ठीक है, मूर वोटिंग एल्गोरिदम पढ़ लेंगे अपने डाउट क्लास के अंदर। सर वन मोर थिंग, जो हमारा क्लास मिस हुआ है आरएस का डाउट सेशन, हाँ क्या हम वो हो न... लेंगे। आप टेलीग्राम पे हो ना? तो हाँ सर, टेलीग्राम पे मैंने डाला था ना मैसेज कि हो नहीं पाया वो डाउट सेशन, लेकिन अगले डाउट सेशन को हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो मतलब अगला डाउट सेशन हमारा 3 घंटे का ओके होगा। ओके सर। तो सर मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ सर। पूछिए। सर जैसे कि अभी तो कोडिंग में ये इनिशियल फेज है सर मेरा तो, और मुझे क्या एक डर लग रहा है कि सर जब भी कुछ नया क्वेश्चन देख रहा हूँ कोड तो बाय हार्ट नहीं कर रहा हूँ बट वो लॉजिक थोड़ा बहुत याद रखना पड़ रहा है, तो क्या वो ओके है कि लॉजिक आप थोड़ा रिमेम्बर करें, यानी आपको लॉजिक भी ऑन द स्पॉट आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तो देखिए, उसके अगर लिए आप क्या बिगनर हैं, अप्रोच? जी जी मैं बताता हाँ हूँ, अगर सर, आप एक बिगनर हैं देन इट्स ओके टू मतलब लर्न द लॉजिक्स। क्योंकि शुरुआत ओके में सर, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर इंट्यूटिवली समझ में नहीं आता। जैसे आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हाँ जो सर, कि फॉर अ बिगनर इंट्यूशन के साथ समझना बड़ा मुश्किल है, भले ही वो कितना ही चैंप हो दिमाग, मतलब मेंटल मैथ चैंपियन हो, राइट? लेकिन यहाँ पर आके वो चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पर आके आप लोगों के अगर सॉल्यूशन इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जो कि एक स्मार्ट बंदा कर ही लेगा पहली बार में, उसके दिमाग में हिट कर जाएंगी, तब तो बात अलग है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो कि चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, अगर आप लोगों ने एक बार वो लॉजिक नहीं देखा तब तक आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दिस जो आप बात कर रहे हो मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम, स्मार्ट बंदा हो आप भले ही, ठीक है, लेकिन मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम ऐसी है जो कि पढ़ना पड़ता है, एक बार समझना पड़ता है इसे, ठीक है। ये भी बहुत तगड़ा स्मार्ट हाँ बंदा हो वो कर ले, ठीक है, लेकिन मैं मेजोरिटी हम लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो हाँ, सर, फॉर अ बिगिनर इट मेक्स सेंस, मतलब कि हाँ आप लोग, मैं जो बता रहा था कि लिखते चलो हर क्वेश्चन के अंदर कि क्या टेक्निक है, क्या कैसे सॉल्व हो रही है, और उसको फिर गो थ्रू भी करते रहो हर 10 दिन में, हर 7 दिन में, सो दैट आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं। ओके। सो अपकमिंग डाउट सेशन में हम वो एल्गोरिथम करेंगे सर, मोर्स वोटिंग, राइट? जी 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 सर लास्ट, सर सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर हमारे पास यहाँ है ना क्वेश्चन सेक्शन भी है सर जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, तो बस आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए सर। आप कोशिश, कन्वर्जेशन सेक्शन में तो हर बार देखते रहते बट उसके ही नीचे है सो डाउट सेक्शन भी बोल के है राइट राइट, जिसमें, तो तो उस ये जो डाउट्स है यहीं पे आ जाते हैं ना, लेकिन यहीं पे आते हैं कन्वर्सेशन के अंदर ही आ जाते हैं डाउट्स तो। सर कन्वर्जेशन में सिर्फ हाईलाइट करते हैं कि एक्स वाई जेड पोस्टेड एक क्वेश्चन बोल के, बस वैसे ही आता सर, चलिए ठीक हमें है, तो चलिए वैसे ही पता था। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक। सर, गुड नाइट सर। हाँ तो जैसे अब्दुल, हाँ ठीक है अब्दुल, तो इन्होंने जैसे कहा कि यहाँ पर डाउट सेक्शन आ रहा है, ऑब्वियसली हाँ यहाँ पर डाउट सेक्शन आ रहा है जिसके ऊपर आप लोग अपवोट भी कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर इस डाउट को पिक करके इनकी हेल्प करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जिन लोगों को समझ में आ रही है चीजें वो दूसरे लोगों की हेल्प करें, सो दैट सभी लोगों को समझ में आए। इवन दूसरे को समझाते हो आप तो, और जब आप लोगों को समझाते हो तो हमेशा चैट के ऊपर देखते रहो, आपका डाउट हो सकता है कोई और बंदा भी सॉल्व कर रहा हो। अमित ने पूछा सर आप चैट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एक बार जब मैं फ्लो में होता हूँ क्वेश्चन के अंदर तो मैं फ्लो में चले जाता हूँ, इन बीच में देखता रहता हूँ। डिस्कॉर्ड पे कराता हूँ यार दोबारा, डिस्कॉर्ड बार बार बुलवा रहे हैं लोग। ठीक है अंकित, हाय, हेलो नमस्ते भैया भाई, नमस्ते। प्रॉब्लम ये ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं निकाल पाते हैं, मतलब वो नॉर्मल वाला रहता है तो निकल जाता है, लेकिन जैसे रिकर्सन में आ गया वो जो आपने दो तीन प्रश्न पहले बताए थे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा बताता है, आप जो तो यार बता समझ में आ मैं जाता है। समझ गया, मैं समझ गया, रिकर्जन वाले क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिक्कत आती है, राइट? अभी जो आज क्वेश्चन देखिए उनमें तो समझ में आ रहा होगा ओ एन स्क्वायर कैसे है, ओ एन कैसे है, एन हाँ लॉग एन हाँ वो तो कैसे समझ में आ गया, ये नॉर्मल वाला है, समझ आता है, वाले में एक ही रिकर्सन दिक्कत में। हो रही है। ठीक है ठीक है, जी डोंट वरी, रिकर्जन हमारी स्पिक कर रहे हैं, उसके अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते चलेंगे हर क्वेश्चन की, तो तब तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है ठीक अंकित, है भाई, यही यही था, यही था, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट।
भैया भैया मैं अरेज के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जीएफजी से। जी मैं प्रॉब्लम खुद से ट्राई आप पूरा सॉल्व कर लेने का ट्राई करता हूँ, देन आप लोग बोलते हो ना कि बाकी अप्रोचेस भी देखा करो, हाउ द सॉल्यूशन गेट्स फर्दर ऑप्टिमाइज्ड। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनकी जीएफजी 4 से 5 अप्रोचेस बता देता है और कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच समझ ही नहीं आती, तो क्या किया जाए। और कुछ अप्रोचेस ऐसी भी होती हैं जिनमें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यूज हो जाते हैं। वही कहने वाला था कि जो जो बहुत अच्छी अप्रोचेस होती हैं उनमें यूजुअली कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे यूज होते हैं जो कि अभी हमने पढ़े नहीं है, तो अगर आप एकदम बिगिनर हो तो वो अभी फिलहाल समझ में नहीं आएंगी। अगर कहीं पे यूज किया हुआ है उन्होंने फॉर एग्जांपल सेगमेंट ट्री, या फिर कहीं पे मैप यूज किया हुआ है, सेट यूज किया हुआ है, बाइनरी ट्री लगा के कहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल तरीके होते हैं अच्छे तरीके से सॉल्व करने के, तो वो समझ में नहीं आएगा अभी इस टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे पढ़ते चलोगे वैसे वैसे आएंगे अभी। लेकिन अगर कुछ ऐसा यूज हो रहा है उसके अंदर क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो हमने पढ़ लिया है, ये तो हमें हो जाना चाहिए आपको, तो उसको ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा ट्राई रन करने का, उस सोल्यूशन को अपने खुद के एग्जाम्पल पर ट्राई रन करने का ट्राई करो। यही होता है, मतलब तरीका यही है सिर्फ, अगर आप लोग ट्राई रन करोगे किसी नए तरीके को तो आप लोगों को 2 एग्जाम्पल के पास समझ आने लगेगा कि हाँ ये अप्रोच कैसे काम करती है। हाँ भैया जितना नॉलेज आता है अभी उतना अप्लाई कर लेते हैं, बाकी तो अभी मैं अभी जो बाकी अप्रोचेज है उनको मैं इग्नोर मार सकता हूँ, राइट? जो फिर नई अप्रोचेज जब सीखेंगे तो हम उसे लगा देंगे जी, कल को। बिल्कुल ओके, थैंक यू। ओके यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर साईनाथ ने एक बोला, भैया इज इट ओके टू स्किप इंटर्नशिप इन थर्ड ईयर, फोकस ऑन फाइनल ईयर प्लेसमेंट, आई एम इन सेकंड ईयर राइट नाउ। देखो यहाँ पर मैं 2 चीजें बोलूंगा, अगर आपकी जो इंटर्नशिप लगी है वो एक ऐसी कंपनी में लगी जहाँ पर आप लोग चाहते हो कि पीपीओ मिल जाए मुझे, और पीपीओ मिल जाए तो फिर सेट है लाइफ, फिर मैं इसी कंपनी में कर सकता हूँ फुल टाइम जॉब, तब तो आप उस कंपनी के इंटर्नशिप में थोड़ा सा फोकस करो, अदरवाइज अपनी प्लेसमेंट की तैयारी में ज्यादा फोकस करो, इंटर्नशिप के ऊपर थोड़ा कम ध्यान लगाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि तुरंत अब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आने वाली है तुम्हारी, ठीक है, तो स्किप ना करो। अगर है इंटर्नशिप तो वेल एंड गुड, थोड़ा थोड़ा काम करता चलो, उस इंटर्नशिप के अंदर 2 घंटे दे दिया, 3 घंटे दे दिया, उससे ज्यादा मत दो। लेकिन अगर ऐसी कंपनी है कि आपको दिख रहा है, मतलब बढ़िया कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ इसके अंदर मैं रह सकता हूँ एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो उसके अंदर आप लोग अच्छे से काम करो। ठीक है, तो वहां पर उस तरीके से अपना टाइम डिवाइड कर लेना। हेलो, हाय अभिषेक। हाय भैया। हाँ जी बोलिए भैया। मेरे प्रॉब्लम की मतलब मैं जीएफजी या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन पिक करता हूँ तो उसका लैंग्वेज मुझको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैं फिर क्या करूँ उसके लिए। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड में, छोटी सी कंपनी है, मुझे प्रोडक्ट बेस में शिफ्ट होना है, तो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रयास करता हूं जीएफजी पे, लेकिन वो क्वेश्चन मुझको लैंग्वेज समझ में नहीं आता क्योंकि अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है समझ गया अभिषेक, अभी जो आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर या जो हम पढ़ा रहे हैं उनकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है आपको? हां भैया वो आ जाती है, मतलब आप एक्सप्लेन कर देते हो तो मतलब मैं सामने से क्वेश्चन कर ले जाता हूं, लेकिन मतलब वो ऐसे डायरेक्ट पूरा लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। समझ गया समझ गया। तो यार एक काम करो, मे बी हो सकता है कि अगर आपको यहां समझ में आ रही है चीजें तो मे बी इजी क्वेश्चन स्टार्ट करो। इजी क्वेश्चन की लैंग्वेजेस तो बहुत इजी होती है, मतलब कई कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि 2 लाइनर के क्वेश्चन होते हैं, 3 लाइन क्वेश्चन होते हैं, तो एकदम से हार्ड क्वेश्चन मैं मूव करो मत अभी फिलहाल, इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन करने का ट्राई करो फिलहाल उनकी लैंग्वेजेस। लेकिन अगर वो भी समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ी सी यार अब यहाँ पे लगानी पड़ेगी मेहनत, थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे ये इजी लेवल के क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर से। मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ड क्वेश्चन अभी के अभी ट्राई करने का ट्राई मत करो अगर आप एक बिगिनर हो तो। थैंक यू भैया। ठीक है यार, बाकी बातें बाद में करते हैं फिर। ऑलराइट, इसी के साथ आज की कक्षा करते हैं समाप्त। आप लोगों से बात करके आया मजा, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन करके भी आया होगा मजा। इसके बाद मैंने आप लोगों को जो दे रखे हैं क्वेश्चंस वो जाके ट्राई करो सबके सब, बहुत सारे क्वेश्चन है इस एरे वाले जो लिंक दे रखा है इसके अंदर जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, जाके सॉल्व करो। जन्म मजय बात कर लेंगे आपसे, ठीक है, टेंशन मत लो यार, काफी लोग आ रहे होते हैं। इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।